हरे कृष्णा। भगवत गीता के 10वें अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है विभूति योग या श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो इस अध्याय में हम भगवान की विभूतियों के बारे में बताएंगे भगवान, और हम उसके बारे में जानेंगे। भगवान अपने ऐश्वर्यों का, अपनी विभूतियों का यहाँ पे हमें संकेत देंगे। ऐसा भगवान क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम भगवान के ऐश्वर्यों के बारे में, उनकी विभूतियों के बारे में जानेंगे, तो उनके प्रति हमें आकर्षण बढ़ेगा, है ना। जैसे हमारा कोई मित्र होता है तो हम क्या करते हैं, हम उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं कि उसका जन्मदिन कब आता है, उसके शादी की सालगिरह कब आती है, उसे खाने में क्या पसंद है, जिससे कि हमारा संबंध और गहरा हो। तो इसी तरह भगवान अपनी विभूतियों, अपने ऐश्वर्यों के बारे में इस अध्याय में बताएंगे, जिससे कि हम भगवान के और करीब जा सकें। इस अध्याय में और बहुत महत्वपूर्ण एक चतुर श्लोकी गीता आएगी। चतुर श्लोकी गीता यानी ऐसे चार श्लोक 10वें अध्याय के 8वें से 11वां श्लोक जो कि पूरे गीता का सार कहा जाता है। तो शास्त्रों में भी लिखा है कि 10वें अध्याय का 8 से 11वां जो श्लोक है, श्लोक नंबर 8, 9, 10 और 11, ये जो चार श्लोक हैं, ये पूरे भगवद गीता के सार रूप हैं। तो हम इसे भी देखेंगे। तो भगवान क्या कहते हैं, श्री भगवान उवाचा भूय एव महाबाहो श्रीनु मे परमं वचः यत्तेहं प्रियमानाय वक्ष्यामि हितकाम्यय। तो इस अध्याय की शुरुआत भगवान ने करी है। तो हमने पहले भी आपको बताया है कि जिस अध्याय की शुरुआत भगवान खुद करते हैं, वो अध्याय हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अर्जुन ने कोई भी प्रश्न नहीं पूछे और बिना प्रश्न पूछे भगवान इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। तो भगवान चाहते हैं कि इस ज्ञान को हम लें। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो। चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो भगवान क्या बताते हैं, भगवान के बारे में हमें जानना है यहाँ पे, पर हम तब तक भगवान के बारे में नहीं जान सकते, तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि भगवान खुद नहीं बताएं। जब तक भगवान हमें खुद अपने बारे में नहीं बताएं, तब तक हम भगवान को बिल्कुल भी नहीं जान सकते। अब भगवान किसको बताते हैं, भगवान अपने बारे में सिर्फ और सिर्फ भक्तों को ही बताते हैं। जैसे कोई देश का राष्ट्रपति होता है, तो क्या आप यूं ही उससे जाके मिल सकते हैं? नहीं, आपको उसके साथ अपॉइंटमेंट लेनी होती है ना, और अपॉइंटमेंट भी आपको बिना योग्यता के नहीं मिलती। तो भगवान जो है, इसी तरीके से भगवान से मिलने की क्या योग्यता है? अगर भगवान के साथ हमें मीटिंग करनी है, उनसे अपॉइंटमेंट लेना है, तो उनकी योग्यता क्या है? भक्ति, है ना। तो प्रभुपाद जी को किसी ने कहा कि मैं भगवान को तब तक नहीं मानूंगा जब तक मैं भगवान को देख ना लूं। तो प्रभुपाद जी ने उसे जवाब दिया कि भगवान हमारे नौकर नहीं है, है ना, उन्हें जब मन होगा वो तब प्रकट होंगे। तो भगवान जो है वो अपनी इच्छा से कार्य करते हैं, हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं और भगवान अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। इसलिए भगवान अपने बारे में जब तक खुद नहीं बताएंगे, तब तक हम उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं जान सकते। इसको हम और आगे भी उदाहरण से समझेंगे। ये श्लोक जो है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसे हम पढ़ते हैं। इसमें भगवान क्या कहते हैं, नामे विदु सुर गुणा प्रभवम नाम हर्षया अहम आदिर हि देवानाम महर्षि नाम च सर्वशः। ना तो देव गण मेरे उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और ना महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप यानी उद्गम हूं। तो भगवान दूसरे श्लोक के पहले ही लाइन में कहते हैं, ना मैं विधु सुरगणा प्रभवम ना महर्षया, यानी बड़े बड़े भी नहीं जान पाते मेरे बारे में। क्योंकि भगवान जो लीलाएं करते हैं, वो दो तरीके की लीलाएं करते हैं, एक लौकिक और एक अलौकिक। तो लौकिक लीला तो हम सब देखते हैं, हम सब समझ भी जाते हैं, पर जब अलौकिक लीला भगवान करते हैं तो हम बहुत ज्यादा मोहित हो जाते हैं। और ऐसा ही नहीं कि हम, ब्रह्मा जी, है ना, शिव जी, बड़े बड़े जो देवी देवता हैं, इंद्र, सब मोहित हो जाते हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने क्या किया था, ब्रह्म विमोहन लीला हमें पता है। जब भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ, गोपों के साथ खा रहे थे, खेल रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने उन्हें देखा तो उनको लगा ये भगवान कैसे हो सकते हैं, ये तो अपने मित्रों का झूठा खा रहे हैं, भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं, ये भला किसी का झूठा कैसे खा सकते हैं, इनके पास तो इतनी ऐश्वर्य है,
इतनी लक्ष्मी इनकी सेवा करती है तो भला ये अपने मित्रों का छूटा क्या से खा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके मित्रों को चुरा लिया, उनका अपहरण कर लिया और बहुत समय तक उन्हें अपने पास रखा। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपना विस्तार किया अपने मित्रों के रूप में और कहीं लगभग 1-2 साल तक उनको पता भी नहीं चला, मित्रों के माँ बाप को, कि ये असली उनके पुत्र नहीं है, ये तो भगवान कृष्ण के विस्तार है। बाद में फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें लौटाया जब उनका मोह दूर हो गया। इसी तरह भगवान कहते हैं कि बड़े बड़े देवी देवता भी मुझे ठीक से नहीं समझ पाते। जैसे प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री को अगर हम देखेंगे कि वो बच्चों के साथ अपने घर पे खेल रहे हैं और अपने परिवार का झूठा खा रहे हैं तो हम क्या उसे विश्वास कर पाएंगे? हमारे लिए उसे यकीन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमेशा हम प्रधानमंत्री को उनके दफ्तर में और देश के हित में काम करते हुए देखते हैं और उन्हें कभी भी हम अपने घर में इस तरीके से झूठन खाता हुआ नहीं देखते। इसी प्रकार जो है वो भगवान का है ना, भगवान को भी बड़े बड़े देवी देवता नहीं समझ पाते, ब्रह्मा जी जैसे देवता भी धोखा खा जाते हैं। इसी तरह इंद्र भी मोहित हो गए थे, क्योंकि जब गोवर्धन लीला हुई तो इंद्र बहुत ज्यादा मोह में आ गए थे, उन्होंने भगवान को नहीं पहचाना था। तो भगवान आगे क्या कहते हैं, जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि वेदों के द्वारा, मानसिक चिंतन के द्वारा भगवान को कभी भी नहीं समझा जा सकता, ये बहुत ही कष्टदायक विधि है। भगवान को कैसे समझा जा सकता है, भगवान को सिर्फ भक्ति से ही समझा जा सकता है। क्यों ऐसा है कि वेदों को पढ़ के भगवान को बहुत मुश्किल से समझ सकते हैं? क्योंकि भगवान कहते हैं मैं उनका आदि हूं, इसलिए मेरे बारे में कोई नहीं जानता। तो हम उदाहरण लेते हैं, जैसे कोई पुत्र होता है ना, उसे अपने पिता के बारे में जानना होता है, क्योंकि वो पुत्र जो है अपने पिता से ही जन्म लेता है तो वो अपने पिता के बारे में ज्यादा नहीं जानता, क्योंकि पिता जो है उसके आदि हैं, पुत्र की उत्पत्ति पिता से हुई है। तो अगर पुत्र को अपने पिता के बारे में जानना है तो उसे क्या करना होगा, या तो वो पिता से खुद पूछ सकता है कि पिता आप मुझे बताएं अपने बारे में, या वो अपनी माता से पूछ सकता है, या क्या कर सकता है, या अपने पिता के मित्रों से या रिश्तेदारों से पूछ सकता है। अगर वो खुद कोशिश करे बिना इस तरीके से जाए तो वो अपने पिता के बारे में जान नहीं पाएगा। इसी तरीके से जो होता है भगवान के बारे में हम जान सकते हैं, या तो भगवान खुद अपने बारे में बता सकते हैं या हम शास्त्रों के द्वारा भगवान को जान सकते हैं, जैसे वो पुत्र ने अपनी माता से अपने पिता के बारे में जाना। तो इस तरीके से शास्त्रों से हम भगवान के बारे में जान सकते हैं। और तीसरा क्या है, तीसरा कि हम भक्तों से भगवान के बारे में जान सकते हैं, जैसे कि पुत्र ने रिश्तेदारों से और उनके मित्रों से पिता के बारे में जाना। तो जब तक पिता अपने बारे में खुद नहीं बताते या माता या मित्र नहीं बताते, तब तक पुत्र को पिता के बारे में नहीं पता चलता। इसी तरीके से अगर किसी को भगवान को जानना है तो या तो भगवान स्वयं बताएं, या हम शास्त्र पढ़ें, या हम उनके भक्तों से पता करें। जैसे सूर्य है ना, सूर्य को अगर हम रात को देखने को निकलेंगे, हम चाहेंगे कि नहीं हमें तो सूर्य रात को देखना है, तो कितना ही हम जोर लगा लें, कितना ही टॉर्च लेके हम घूम लें, हम नहीं देख सकते सूर्य को। हम कब देख सकते हैं, हम सूर्य को सूर्य की रोशनी से ही देख सकते हैं। तो जब सूर्य चाहता है तब उसी की रोशनी से हम उसे देखते हैं। इसी तरीके से जब भगवान चाहते हैं तब उन्हीं की इच्छा से हम उन्हें समझ पाते हैं। इसलिए तीसरे श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि भगवान अजन्मे हैं, भगवान का जन्म साधारण नहीं है। तो भगवान क्यों जन्म लेते हैं, भगवान जन्म लेते हैं भक्तों को आनंद देने के लिए। इसलिए भगवान कहते हैं कि अजन्मा होते हुए भी मैं जन्म स्वीकार करता हूं, जिससे कि मैं भक्तों को आनंद दे सकूं और दुष्टों का संहार कर सकूं। तो इसीलिए कई लोग गलत समझते हैं भगवान के जन्म को, वो सोचते हैं भगवान तो आम मनुष्य की तरह जन्म लेते हैं। पर हम सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने जो जन्म लिया तो क्या था, वो पहले वासुदेव जी के हृदय में आए, फिर देवकी माँ के हृदय में आए, फिर उसके बाद देवकी माँ के गर्भ में आए। तो भगवान का जन्म जो है वो भी दिव्य है, इसीलिए भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम। तो भगवान का जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य है। और भगवान जो है कहीं से भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान को आम इंसान की तरह ही जन्म लेना है। हमने देखा है ना कि नरसिंह देव कैसे आए थे, खंभे को फाड़ के आए थे। तो भगवान कहीं से भी उत्पन्न हो सकते हैं। और इसीलिए नरसिंह प्रणाम जो हमने कल करा था, तो हमने क्या कहा था कि नरसिंह जी जो है वो दूर भी है वो पास भी है। हृदय नरसिंह बाहिर नरसिंह, इतो नरसिंह परतो नरसिंह, दूर भी है पास भी है, अंदर भी है बाहर भी है। तो भगवान जो है वो हर जगह व्याप्त हैं।
सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व चार अन्य महर्षि एवं सारे मनु मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न है और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं कि मानव जन्म कैसे आरंभ होता है ना। तो साइंस हमें क्या बताती है कि हम बंदरों से आते हैं, हमने यही पढ़ा है, पर यहाँ पे भगवान उस बात का खंडन करते हैं। अब भगवान कहते हैं कि क्या हुआ, पहले मेरे मन से यानी भगवान की इच्छा से चार कुमार आए, चतुष्कुमार, जो ब्रह्मा जी के चार कुमार हैं। क्या उनका नाम? सनक, सनातन, सानंद और सनत कुमार। तो ये चार जो हैं कुमार ये आए भगवान के मन से यानी भगवान की इच्छा से। फिर आए सप्त ऋषि। सप्त ऋषि कौन है? वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भरद्वाज। ये हैं सप्त ऋषि जो भगवान के मन से आए। फिर उसके बाद आए मनु, जो 14 मनु हैं, और फिर वहां से जो है जो इंसान या मानव का वंश आरंभ हुआ। तो भगवान कहते हैं कि ये सारे मेरे मन से आए, चतुष्कुमार, सप्त ऋषि और 14 मनु सब मेरे मन से आए, उसके बाद जो है मनुष्य का, मानव का वंश आरंभ हुआ। तो ऐसा नहीं है कि हम बंदरों से आए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिनको सोचना है कि उनके पूर्वज बंदर हैं वो सोचे, हमारे पूर्वज तो बंदर नहीं है, क्योंकि भगवद गीता में भगवान ने साफ साफ लिखा है कि मेरे मन से ही मनु उत्पन्न हुए थे। इसलिए प्रभुपाद जी ने किताब भी लिखी है कि लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, तो जीवन जो है वो जीवन से ही आता है। ठीक है, अब यहाँ पे भगवान क्या बताते हैं, एताम विभूतिम योगम च मम यो वेति तत्वतः सो अविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णता आश्वस्त है वह मेरी अन्य अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो सामान्यता क्या होता है, सामान्यता लोग जानते हैं कि ईश्वर महान है, ये हम सब जानते हैं कि भगवान जो है बहुत महान है, किंतु क्या होता है वो विस्तृत रूप से यह नहीं जानते कि वह किस तरह से महान है। तो हम ये नहीं जानते कि भगवान किस तरीके से महान है, हम बस ये जानते हैं कि भगवान महान है। तो यहाँ पे इस अध्याय में इस विस्तृत वर्णन को भगवान बताएंगे। उदाहरण के तौर पे हम कैसे देख सकते हैं, जैसे एक शालिग्राम पत्थर, या तो आप उसे भगवान मान सकते हैं या सिर्फ एक पत्थर ही मान सकते हैं। तो जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि वो पत्थर जो है, जो शालिग्राम है, किस तरीके से वो महान है, तो तब तक आप उसे भगवान नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे एक हमारे गोस्वामी हुए थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी, तो उनके पास शालिग्राम थे। तो एक बार एक व्यापारी जब वहां से गुजरते हैं तो वो उन्हें कुछ वस्त्र देते हैं, वो कहते हैं कि तुम अपने कृष्ण को पहनाना। पर जब वो देखते हैं वस्त्र तो वो तो श्याम सुंदर रूप कृष्ण के वस्त्र होते हैं, तो वो बहुत रोते हैं, वो कहते हैं मेरे पास तो शालिग्राम है, मैं क्या करूं। ऐसा करके वो रात में शालिग्राम की सेवा करके उसे टोकरी में रख के चले जाते हैं, और सुबह जब आके देखते हैं तो उनमें से एक शालिग्राम जो है वो कृष्ण रूप में रहते हैं, जिसे वृंदावन में आज भी वो मंदिर है जिसे हम राधा रमन जी कहते हैं। तो इस तरीके से या तो हम उसे एक पत्थर ही मान सकते हैं, या उनकी महिमा अगर हम समझें तो हम उसे भगवान भी मान सकते हैं। तो जब हम भगवान उन्हें कब मानेंगे, जब उनके बारे में हम जानेंगे। तो जब हम जानेंगे तब हमें पता चलेगा कि भगवान जो है वो अनंत हैं, और फिर क्या होगा, हम उन्हें स्वामी भाव में लेने लगेंगे, हम भगवान को अपना स्वामी मानेंगे। और जब भगवान को हम अपना स्वामी मानेंगे तो हम अपने आप खुद को दास मानने लगेंगे, जीवेर स्वरूप हुए कृष्णेर नित्य दास। तो जब तक हमारे अंदर भगवान के प्रति दास की भावना नहीं आएगी तब तक हमारी भक्ति जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती। ये सातवें श्लोक के बाद अब आखिरी जो अगला चार श्लोक आएगा 8 से 11, उसे हम कहते हैं चतुर्श्लोकी गीता। तो चतुर्श्लोकी गीता में भगवान क्या करेंगे, भगवान अपने बारे में बताएंगे, भगवान अपने भक्त के बारे में बताएंगे, भगवान फिर भक्त पे कैसे कृपा करते हैं वो बताएंगे। तो इन चारों श्लोकों में हम ये देखेंगे। तो गीता जो है वो है भक्त और भगवान के बीच में वार्तालाप। तो कोई भी अगर इस पे टीका लिखता है जिसमें से वो भक्ति को ही खत्म कर दे, कृष्ण को ही खत्म कर दे, तो ऐसी टीका बिल्कुल बेकार है। तो अगले चार श्लोकों से भी यह स्पष्ट हो जाएगा कि गीता का जो सार है वो है भक्त भगवान और भक्त और भगवान के बीच में संबंध, और किस तरीके से भगवान अपने भक्त पे कृपा करते हैं। तो इस तरीके से हम चतुर्श्लोकी गीता का पहला श्लोक देखते हैं, 8वां श्लोक।
अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम भूता भवान भूता भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं, प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं वो मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। भगवान ने इस चतुर्श्लोकी गीता का शुरुआत किया है किस शब्द से? अहम। अहम मतलब मैं यानी कृष्णा। तो कृष्ण अपने आप को कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभुवो, यानी मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं। तो भगवान कहते हैं कि सब कुछ मुझ से आता है, सब कुछ मुझसे उद्भूत होता है, चाहे वो आध्यात्मिक हो या वो भौतिक हो, तो सब कुछ भगवान से ही आता है। अर्जुन जो थे वो बहुत ज्यादा संशय में थे कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ना केवल ये बताया कि क्या करना है, बल्कि उन्हें ये भी बताया कि क्या करना है उसको जानने की क्या विधि होनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं सब कुछ मुझसे आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी भगवान से भी ज्ञान भी भगवान से आता है, है ना। इसीलिए हम आगे श्लोकों में देखेंगे भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त होते हैं उनको मैं ज्ञान देता हूँ। तो यहाँ पे भगवान ने अपने बारे में बताया कि आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक हो, सब कुछ मुझसे उद्भूत होता है, सब कुछ मुझ से आता है। तो जब हम भगवान के बारे में जानने लगते हैं, हमारी जो भगवान के बारे में ज्ञान है वो बहुत ज्यादा गहरी होने लगती है, तो हमारा भगवान के प्रति आकर्षण जो है वो बढ़ने लगता है। इसलिए भगवान कहते हैं मैं सबका कारण स्वरूप हूँ, सर्व कारण कारणम। ठीक है, आगे भगवान क्या कहते हैं? तो पहले श्लोक में, आठवें श्लोक में भगवान ने अपने अपने बारे में बताया, अब नवे श्लोक में भगवान जो है वो अपने भक्तों के बारे में बताएंगे। तो भगवान क्या कहते हैं? मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंता परस्परम कतंत्यस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, अपना जीवन मेरी सेवा में अर्पित रखते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो यहाँ पे भगवान ने अपने भक्तों के बारे में बताया और उनके लक्षण के बारे में बताया। पहला क्या है? मत चित्ता। मत चित्ता मतलब हमेशा भगवान में ही मन लगा के रखते हैं, उनका चित्त जो है वो हमेशा भगवान में रहता है। तो इसीलिए क्या होता है, कोई भी गंदे विचार के लिए उनके चित्त में, उनके मन में कोई जगह नहीं रहती। जैसे उदाहरण, अगर एक बाल्टी है जिसमें पहले से पानी भरा है तो उसमें आप कितना ही पानी डालें वो बाहर ही गिरेगा, उसके अंदर कोई और पानी नहीं टिकेगा। इसी तरीके से अगर आप भगवान को अपने चित्त में रखते हैं, अपने मन में रखते हैं, तो कोई भी दूषित विचार अब उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। मत चित्ता। दूसरा क्या है? मत गत प्राणा मतलब हर तरीके से, यानी प्राणों से, प्राणा मत गत प्राणा, हर तरीके से भक्त जो है वो भगवान की सेवा करता है, यानी इंद्रियों से, बुद्धि से और प्राणों से, यानी वो अपना सर्वस्व जो है वो भगवान पे निछावर कर देता है। तो मत चित्ता मत गत प्राणा। फिर आगे भगवान क्या कहते हैं? बोधयंता परस्परम, यानी आपस में एक दूसरे से वो भगवान की ही बातें करते रहते हैं। तो ये भक्त के तीसरे लक्षण है कि आपस में भक्त जब बात करते हैं वो सिर्फ भगवान की बात करते हैं, और उसको करने से क्या होता है? तुष्यन्ति च रमन्ति च, यानी उन्हें बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है। तो भक्त क्या करते हैं? भक्त अपने चित्त में हमेशा भगवान का ध्यान करते हैं, जिसके कारण उनका चित्त हमेशा भरा हुआ रहता है और कोई भी गंदे विचार उसमें प्रवेश नहीं करते। मदगत प्राणा, वो भगवान पे अपने प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंद्रियों से, ऐसा नहीं है सिर्फ बुद्धि से, वो अपने प्राणों से भगवान की सेवा करते हैं। और फिर क्या होता है? आपस में सिर्फ भगवान की बातें करते हैं, जिससे उनको बहुत ज्यादा आनंद की प्राप्ति होती है। तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो भगवान ने यहाँ पे तुष्यन्ति और रमन्ति दो शब्दों का इस्तेमाल किया है। दोनों का प्राय अर्थ होता है आनंद, पर दोनों में फर्क भी है। तो भगवान ने दो बार इस शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? तुष्यन्ति यानी प्रसन्नता, यानी एक बेसिक लेवल की प्रसन्नता होती है, पर रमन्ति यानी दिव्य आनंद, डिलाइट जिसको कहते हैं, यानी तुष्यन्ति च रमन्ति च, यानी बहुत ज्यादा आनंद की अनुभूति होती है। जैसे हम उदाहरण अगर लें, तो अगर रसगुल्ला है ना, कोई रसगुल्ला अगर खाता है, रसगुल्ला खाने के बाद वो दूसरे को कितना ही कुछ समझा दे कि रसगुल्ला जो है वो सफेद होता है, वो मीठा होता है, वो इस तरीके का होता है, इसी से बनता है,
पर सामने वाला तब तक उसको नहीं समझ सकता जब तक वो खुद नहीं खा ले। इसी तरह भक्ति है, जब तक हम भक्ति खुद नहीं कर लेते तब तक भक्ति के आनंद को हम नहीं जान सकते। इसीलिए भक्त जब आपस में बात करते हैं तो बहुत ही आनंदित होते हैं क्योंकि दोनों ने भगवान की भक्ति करी है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी का भी हम उदाहरण ले सकते हैं। प्रभुपाद जी जो है उनके अंदर ये सारे लक्षण है ना, भगवान बताते हैं मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम और कत्यंतश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। ये सारे लक्षण प्रभुपाद जी के अंदर है। प्रभुपाद जी हमेशा अपने चित्त में सिर्फ और सिर्फ भगवान को ही याद करते थे, भगवान को छोड़ के उनके चित्त में और कोई भी विचार नहीं रहते थे। फिर प्राणों से उन्होंने भगवान की सेवा करी, उन्होंने कितना ज्यादा रिस्क लेके वो अमेरिका गए, बुढ़ापे में गए, प्राय 70 साल की उम्र में मालवाहक जहाज से गए, वहां पे वो किसी को भी नहीं जानते थे, उन्होंने बहुत कष्ट सहे। क्यों? क्योंकि वो हर तरीके से भगवान की सेवा करना चाहते थे और वो सिर्फ कृष्ण की ही बातें करते थे, कृष्ण को छोड़ के और वो कोई भी बात नहीं करते थे। अब भगवान यहाँ पे चतुर्श्लोकी की 10वें श्लोक में आते हैं, जो तीसरा जो चतुर्श्लोकी गीता का श्लोक है। इसमें क्या करेंगे भगवान, इसमें भगवान बताएंगे कि किस प्रकार से वो अपने भक्तों पे कृपा करते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयन्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, पहले श्लोक में उन्होंने अपने बारे में बताया, दूसरे में भक्त के बारे में, अब यहाँ पे भगवान बताते हैं कि मैं अपने भक्तों पे किस तरीके से कृपा करता हूं। तो भगवान कहते हैं प्रेम पूर्वक जो मेरी सेवा करते हैं निरंतर, यानी यहाँ पे दो चीजें भगवान ने बताई, एक तो प्रेम भरी सेवा होनी चाहिए प्रेम पूर्वक और निरंतर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने बस कर दिया, कभी हम छोड़ दिया, हमने फिर हमने पकड़ लिया, ऐसा नहीं, निरंतर लगे रहते हैं और प्रेम पूर्वक करते हैं। तो ये क्या है कि ज्ञान के अनुशीलन में भक्त लगे रहते हैं, पर उसमें क्या होता है कभी कभी भक्ति भूल जाते हैं। और कई लोग क्या करते हैं, सेवा करते हैं पर शास्त्र नहीं पढ़ते, ऐसा होता है ना, किसी किसी को सेवा करना बहुत पसंद है, उन्हें शास्त्र पढ़ना पसंद नहीं है, किसी किसी को ज्ञान अर्जित करना पसंद है पर भक्ति वो भूल जाते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान यहाँ पे बोलते हैं मैं उन्हें ज्ञान प्रदान करता हूँ। यानी ऐसा नहीं है कि जो मंदिर में सेवा कर रहे हैं, जैसे कि किसी को अगर मंदिर में रसोई की सेवा मिलती है तो वो खाना बनाता है भक्तों के लिए, अगर वो खाना बनाता है सुबह शाम, हरे कृष्णा। माता जी मेरी आवाज कट रही है क्या? नहीं प्रभु जी, क्लियर है मेरी सबकी। ठीक है, तो प्रभु जी जो आप बता रहे हैं आप अपने तरफ से नेटवर्क चेक कर लीजिए, आपने अपना नाम नहीं लिखा है। तो भगवान जैसे, हाँ, तो अगर किसी को रसोई में कोई सेवा मिली है तो वो सवेरे शाम अगर भक्तों के लिए है ना, भगवान के लिए भोग बनाता है जिसे भक्त फिर प्रसाद के रूप में खाते हैं, तो हो सकता है उसे समय ही ना मिले कि वो शास्त्रों का अध्ययन करे। तो भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगा रहता है उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ। तो भगवान उन्हें अपने आप ज्ञान प्रदान करते हैं। इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि कई लोग जो है वो ज्ञान में लगे हैं, उन्हें शास्त्र पढ़ना बहुत अच्छा लगता है पर उनके अंदर भाव ही नहीं आते, तो भगवान कहते हैं तुम मेरी सेवा करो, चाहे बुद्धि से चाहे कर्म से, मैं तुम्हारे अंदर ज्ञान प्रदान करूंगा, पर वो सेवा जो है वो प्रेम पूर्वक होनी चाहिए और निरंतर होनी चाहिए। तो आप सब जो है आपने भी भक्ति की तरफ पहला कदम उठाया है ना, आपको भी इस बात की खुशी है कि किस तरीके से कहीं ना कहीं आपने जरूर चाहा होगा कि आप भगवद गीता का ज्ञान सुने और भगवद गीता के अध्ययन के लिए आपने पहला कदम उठाया, तो जरूर आपको कहीं ना कहीं ये लगता होगा भगवान ने आपकी सहायता करी। बहुत लोगों को ऐसा लगता है, हमने पहले भी अनुभव सुने हैं, आप हम थोड़ी चर्चा कर सकते हैं इस पॉइंट पे, आप सब भी बताइए अपने अनुभव। जैसे मेरे को था कि मैंने भगवद गीता का जब मन बनाया कि मुझे भगवद गीता पढ़नी है तो कई तरीके से मैंने अध्ययन करने की कोशिश करी पर मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, तो अचानक से मेरे पास ये लिंक आया व्हाट्सएप पे और मैं इससे जुड़ा प्राय 1.25 साल पहले, तो मुझे फिर धीरे धीरे वहां पे लगा कि भगवान ने मेरी सहायता करी क्योंकि मैं भगवद गीता का ज्ञान समझना चाहता था। तो इसलिए क्या भगवान कहते हैं, मैं उन्हें ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वो मुझ तक आ सकते हैं। तो अगर हम भगवान के प्रति एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान हमें ज्ञान देते हैं, ऐसी व्यवस्था करते हैं जिससे हम उनकी ओर जा सकें। आप लोगों में से किसी को भी ऐसा लगता है, उनके साथ भी ऐसा हुआ, तो आप अपने एक्सपीरियंस को, अनुभव को शेयर कर सकते हैं, आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। आपको अगर लगा हो कि आपने
कहीं ना कहीं भगवान के प्रति एक कदम बढ़ाया हो और आपको लगा कि भगवान ने आपकी सहायता करी। जी जिग्ना माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी डेफिनेटली मेरे साथ ये हुआ है कि मेरे घर में जब मेरे कोई खासकर रिश्तेदार गुजर गए, उनके बाद मेरे घर में भगवद गीता गिफ्ट में दी गई थी। मैंने कभी भगवद गीता को हाथ भी नहीं लगाया था। एक दो बार पढ़ने की कोशिश की थी मैंने पहले, लेकिन मन ही नहीं बन रहा था मेरा। वो साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन प्रभुपदा की बुक और ये भगवद गीता दोनों साथ में हमें दी गई थी, लेकिन मैं कभी ये समझ ही नहीं पा रही थी। एक एक दो लाइंस पढ़ती थी फिर मुझे ना कुछ समझ ही नहीं आता था। फिर क्या होता कि मैं जैसे तब ना बहुत आलसी पना था, जैसे कि मुझे ऐसा लगता था मैं नहीं समझ पा रही हूँ, मैं ये पढ़ नहीं पाऊंगी। लेकिन फिर बहुत साल, जैसे कि ऑलमोस्ट 9 ईयर्स गुजर गए, उसके बाद ना मैंने एक बार फिर से भगवद गीता हाथ में पकड़ी और फिर मैंने सिर्फ एक बार मन से कहा कि का ना कभी तो हेल्प करो यार मुझे। मैं ऐसे ही बोलती थी, यूं ही बोल गई कि काना कभी तो हेल्प करो यार मुझे पढ़नी है। कितनी कितनी अच्छी बुक है, कितनी लोग इतनी बातें करते हैं इसकी, मुझे मैंने इतना सारा कुछ देखा है, पेपर्स में पढ़ा है, टीवी पे देखा है, तो मुझे भी पढ़नी है, मुझे भी समझनी है। तो 9 साल बाद मुझे पहली बार, जैसे मैंने एक फेसबुक पेज पे ब्राउज किया तब ये भगवद गीता का पेज आ गया और वहां से मैं ये मैंगलोर इस्कॉन कि भगवत गीता क्लासेस में जुड़ गई और एक ऐसे दोस्त मिल गए जिनकी बहुत सी हेल्प से मैं प्रोग्रेस करने लगी इसमें। तो ये मेरी एक्सपीरियंस है प्रभु जी। हरे जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रहा कृष्ण। आपका माता जी, काफी भक्त ऐसा बताते हैं। परविंदर प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मैं इस्कॉन से पिछले 8 साल से जुड़ा हुआ हूँ और रथ यात्रा थी गुड़गांव में, उस रथ यात्रा के पीछे मैं भी चल पड़ा प्रभु जी। हरे कृष्णा भक्त कर रहे थे और विदेशी भक्त जो थे, मैं उनको देख के इंस्पायर हुआ था और मैं भी उनके पीछे पीछे चला गया और मैंने वो रथ यात्रा अटेंड की और फिर मुझे माला भी करने को दिया उन्होंने वहां पे और मुझे सेंटर बताया कि इस सेंटर के अंदर संडे को प्रोग्राम होता है। प्रभु जी 4 साल तो मेरे वैसे ही बीत गए, मुझे कुछ ज्यादा समझ नहीं आता था लेकिन प्रयास करके मैं बैठ जाता था कीर्तन के अंदर भी, और लास्ट में मेरा इंटरेस्ट जो है वो प्रसादम में काफी होता था क्योंकि प्रसादम बहुत अच्छा मिलता था वहां पे। जी प्रभु। तो ऐसे ही चलता रहा तो अचानक केशवानंद प्रभु जी हैं जो आजकल राजपुरा सेंटर देखते हैं, तो उनका एक लेक्चर था कि श्रवण की इम्पोर्टेंस। तो प्रभु जी मैंने उसको सुना, श्रवण की इम्पोर्टेंस को, तो उन्होंने फोकस ये किया था, उनका सजेशन ये था कि आपको अगर खाली टाइम भी कभी मिलता है ना तो आप लेक्चर सुनिए, लेक्चर सुनिए। तो प्रभु जी बस मैं लेक्चर सुनता गया सुनता गया सुनता गया और फिर विभिन्न भक्तों के भी लेक्चर सुनता गया, क्लास भी अटेंड करता रहा, धीरे धीरे रस आने लगा तो प्रभु जी बस ऐसे जुड़ता चला गया। और फिर बाद में मेरे को ये इंटरेस्ट था कि मैं क्लासेस भी ज्वाइन करूं और मुझे आपकी क्लास भी मिल गई प्रभु जी, और मुझे अब मेरा सौभाग्य है कि मेरे को यहाँ भी सीखने को मिल रहा है। हरे कृष्णा प्रभु। जी बोल प्रभु जी, बहुत ही सुंदर। तो प्रभु जी तो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उन्होंने रथ यात्रा के पीछे चल दिए, प्रभु जी कह रहे हैं। तो भगवान के प्रसाद में भी बहुत शक्ति होती है, जैसे हमने देखा है प्रभु जी प्रसादम में इंटरेस्टेड थे। फिर भगवान ने कहा था कि एक बार तुम आते हो मेरे पास तो फिर क्या होता है, भक्तों से मिलते हो, ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया में लगते हो, और जब ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया में लगते हो तो तुम यह समझ जाते हो कि मैं परम भगवान हूँ, मैं परम सत्य हूँ, और फिर उससे वैराग्य उत्पन्न होता है। तो प्रभु जी के साथ भी वैसा ही हो रहा है। वो धीरे धीरे जुड़े, फिर उन्होंने लेक्चर सुने, ज्ञान अर्जन में लग गए, भक्तों से मिले, अब धीरे धीरे वो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही सुंदर प्रभु जी। अलोकपाल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक्सपीरियंस उसमें बहुत अच्छा रहा। भगवान ने मेरी कई बार हेल्प करी है। मैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जॉब करता हूँ, वहाँ पर एक लीन मैन्युफैक्चरिंग, सिक्स सिग्मा, बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स रहते हैं जिसकी मैंने कई बार क्लासेस ली, ट्रेनिंग ली, बस समझ में नहीं आ रहा था। बट एक गुरु जी ऐसे मिले, उन्होंने लीन मैन्युफैक्चरिंग को सिर्फ एक श्लोक में खत्म कर दिया। वो श्लोक था क्षणस्य कणस्य एव विद्याम अर्थम च साध्यत्, क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धना। इस वाले श्लोक में पूरी लीन मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो गई, जिससे कि मेरे को बहुत अच्छा लगा कि बताओ जब एक श्लोक में ऐसा हो सकता तो बहुत इस भगवद गीता में तो बहुत ज्यादा ज्ञान होगा। तो मैंने ये बुक को ऑनलाइन परचेज किया। अब जब मैंने बुक परचेज कर ली उसके बाद मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी समझने में,
शुरू में क्योंकि मैंने 10-12 पेज स्टार्टिंग के पढ़े तो मुझे लगा कोई गुरुजी चाहिए। मैं सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज नहीं करता था। उसी दिन मैंने इंस्टाग्राम अपना लॉगिन किया, उसके बाद अचानक से इस्कॉन मैंगलुरु का ये लिंक आया मेरे पास और मैंने वहाँ पर अप्लाई कर दिया, जिससे कि आप मिल गए मेरे को यहाँ पर और मेरे को ये बुक है जो अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्प हो रही है। वेरी गुड, बहुत सुंदर प्रभु जी। तो देखा हमने प्रभु जी बता रहे हैं कि किस तरीके से उनकी भौतिक प्रगति में भी एक श्लोक में उन्होंने लीन मैन्युफैक्चरिंग समझी। हमारे पास समय ज्यादा नहीं है, हम एक हैंड और लेंगे। अंजलि माता जी, हरे कृष्णा माता जी। कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। हाँ जी, मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी श्रद्धा भावना तो गीता में पहले से ही थी, 2-3 बार मैं पढ़ भी चुकी हूँ और मेरी शादी का जो पहला गिफ्ट मुझे गिफ्ट किया गया था मेरी फ्रेंड्स की तरफ से तो वो गीता ही थी, तो कभी कभार मैं पढ़ लेती थी, पर फिर भी मुझे उसके जो सही अर्थ हैं जो मुझे समझ में आने चाहिए वो इस लिंक से जुड़ने के बाद ही मुझे पता चला। एक महीना पहले जब मतलब कि क्लासेस स्टार्ट हुई थी तो मेरी बेटी ने कहा कि मुझे गीता पढ़नी है क्योंकि वो मुझे देखती थी, तो मैंने कहा कि हाँ ये लिंक मैंने अभी देखा है तो आप इसको ज्वाइन करो, तब उसके एग्जाम चल रहे थे। तो वो उसने तो 1-2 क्लासेस अटेंड की पर उसकी तरफ से सारी क्लासेस मैंने अटेंड की, तो फिर बाद में मुझे ये लगा कि अभी मुझे फिर से इसको देखना है और सुनना है। फिर मैंने अपनी छोटी बेटी को भी इसमें ज्वाइन करवाया और इसके साथ साथ उसकी एक जो संडे क्लास है उसमें भी मैं जुड़ गई। अब मैं अपने हस्बैंड को भी ये सुना रही हूँ साथ में, मतलब रोज उनके साथ इकट्ठे बैठ के फिर से आपकी मतलब ये चीज सुन रही हूँ। तो हर बार मतलब जब भी मैं सुन रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ना कुछ नया ही सीख रही हूँ उसकी, मतलब मुझे हर बार कुछ नया नया ही सीखने को मिलता है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि, और बस यही है मेरी प्रार्थना है कि दोनों मेरी बेटियां वो भी इसको अच्छी तरह से समझ पाएं। तो अभी है तो चलो छोटी हैं पर फिर भी जितना हो सके वो इंटरेस्ट से समझती हैं। जी माता जी, धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रज्ञा माता जी, आपने क्या हैंड रेस किया था, आपको कुछ बोलना है प्रज्ञा माता जी? नहीं प्रभु जी, मैंने नहीं हैंड रेस किया था। ठीक है माता, ठीक है। तो चैट में हम कुछ लेते हैं, इसमें एक माता जी को बहुत दिक्कत हो रही है सुनने में। माता जी आपके तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम है, यहाँ पे सब ठीक है, आप एक बार मोबाइल चेक करिए। शिव कुमार प्रभु जी कह रहे हैं मेरी पहली क्लास है और 10 जुलाई को ग्वालियर में एकादशी व्रत के दिन जगन्नाथ यात्रा थी और 11 से मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ, बहुत ही आनंदित हूँ। उदय प्रभु जी कह रहे हैं मेरी बेटिया जन्माष्टमी के दिन पैदा हुई थी, उस दिन मैंने भगवद गीता की कॉपी खरीदी और पढ़ने की कोशिश करी पर अचानक से उन्हें लिंक मिला और वो ज्वाइन हो गए। तो इस तरीके से अंकिता माता जी, कमला माता जी, विक्रम प्रभु जी सब अपने अपने, पवन प्रभु जी भी बता रहे हैं। तो भगवान खुद कहते हैं कि जब आप मेरी ओर एक कदम बढ़ाओगे तो मैं आपकी सहायता करूंगा, तो भगवान या गुरु को, शास्त्र को, भक्त को, किसी को भी भेजते हैं और आपकी सहायता जरूर करते हैं। जैसे उदाहरण में हम चित्र में देख सकते हैं ध्रुव महाराज हैं, तो जब वो जंगल में चल दिए थे तो वो इधर उधर भटक रहे थे, उन्हें नहीं पता था उन्हें क्या करना है, पर उनका निश्चय जो था वो दृढ़ था, तो भगवान ने नारद मुनि को भेजा जिससे उन्होंने ध्रुव महाराज का मार्गदर्शन किया और ध्रुव महाराज ने फिर 6 महीने के अंदर ही भगवत प्राप्ति कर ली थी। तो आप अगर अपने निश्चय में दृढ़ रहते हैं तो भगवान जरूर किसी ना किसी को आपकी मदद के लिए भेजते हैं। यहाँ पे चतुर्श्लोकी गीता का आखिरी श्लोक आता है, उसमें भगवान क्या कहते हैं, तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञान जमतमः नाशाम्य आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भाष्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करता हूँ, ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन अंधकार को दूर करता हूँ। तो जब भगवान जो कहते हैं उनके हृदय में मैं वास करता हूँ और उनकी अज्ञानता को दूर करता हूँ, तो जब हम गुरु की शरण में जाते हैं तो क्या होता है, भगवान खुद ही अरेंज करते हैं, खुद ही इस चीज को भगवान व्यवस्था में लाते हैं और हम धीरे धीरे फिर उससे जुड़ जाते हैं। जैसे पैसे देके हम भौतिक ज्ञान तो खरीद सकते हैं पर आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो हम पैसे देके नहीं खरीद सकते, उसके लिए हमें गुरु की शरण में जाना होता है, उनसे विनीत भाव से उनकी सेवा करनी होती है, फिर प्रश्न पूछने होते हैं। पर साथ ही साथ भगवान जो है वो भी हमारे अंदर चैत्य गुरु बन के रहते हैं और हमारे चित्त में गुरु बन के हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जैसे कपिल मुनि आप देख सकते हैं चित्र में, उन्होंने अपनी माँ को ही भगवान के बारे में बताया,
तो पुत्र जो थे वही माँ के आध्यात्मिक गुरु बन गए। तो ये जब चार श्लोक अर्जुन सुनता है, जब भगवान अपने बारे में बताते हैं, अपने भक्तों के बारे में बताते हैं और किस तरीके से भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, जैसा आप सबने खुद अनुभव किया है ना, हमने तो भक्ति शुरू भी नहीं करी, हमने सिर्फ इच्छा जाहिर करी कि हम भगवद गीता पढ़ें, अब भगवान ने किस तरीके से हम पर कृपा करी। तो जब अर्जुन ये सुनता है तो बहुत ज्यादा गदगद हो जाता है, बहुत ज्यादा आनंदित हो जाता है। और अर्जुन क्या बोलता है, अर्जुन भी एक घोषणा कर देता है ना, इसको कहते हैं डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, डिक्लेयर कर देता है। क्या कहता है, अर्जुन उवाचा परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम अहुस्त्वाम ऋषया सर्वे देवर्षे नारदस्तथा असीतो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीष मे। अर्जुन ने कहा आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं, आप नित्य दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम हैं, नारद असीत देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझको कह रहे हैं। तो अर्जुन अब बहुत ज्यादा प्रफुल्लित तो बहुत ज्यादा आनंदित हो गया, जैसे हम कहते हैं ना बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो हरि बोल, तो इस तरीके से अर्जुन बहुत ज्यादा प्रफुल्लित हो गया। तो इसलिए अर्जुन अब घोषणा कर देता है, क्या कहता है, आप परम भगवान हैं। बहुत ही सुंदर स्तुति भगवान की करता है अर्जुन यहाँ पे, आप परम भगवान हैं, आप परम धाम हैं, है ना। तो परम ब्रह्म कहता है, परम ब्रह्म यानी प्रत्येक जीवात्मा भगवान का अंश होने से ब्रह्म है, लेकिन भगवान परम ब्रह्म है। फिर क्या, परम धाम यानी भगवान कृष्ण की सृष्टि के आदि, उद्गम और प्रलय के पश्चात परम विश्राम स्थल है, यानी भगवान जो है वो हमारा विश्राम स्थल है, परम धाम। परम पवित्र यानी भगवान गुणातीत होने के कारण प्रकृति के तीनों गुणों से प्रभावित नहीं होते। और परम सत्य यानी पुरुष यानी भगवान कृष्ण ही परम भोक्ता है। फिर क्या कहते हैं, शाश्वतम भगवान कृष्ण ही आदि सृष्टि के रचयिता है, अविनाशी अव्यय और नित्य शाश्वत है। फिर क्या कहते हैं, दिव्य, दिव्य यानी भगवान कृष्ण का जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। फिर क्या कहते हैं अर्जुन, आदिदेवम, आदिदेव यानी भगवान कृष्ण समस्त देवता ब्रह्मा शिव और विष्णु के भी सृष्टा हैं। और फिर अजन्म, अजम मतलब भगवान जन्म रहित अनादिकाल के भी काल हैं। और फिर लास्ट में वो कहते हैं विभुम, विभुम यानी भगवान सर्वव्यापक है, सृष्टि के अधिकर्ता है, वही मात्र भोक्ता और हर्ता है। तो एक साथ भगवान की इतनी सुंदर स्तुति की किसने, अर्जुन ने। तो अब यहाँ पे कोई कह सकता है कि ठीक है अर्जुन तो भगवान का मित्र था, इसीलिए मित्र जो वो एक दूसरे की तारीफ करते हैं, तो इसीलिए अर्जुन ने कहा ऐसा मैं सिर्फ नहीं बोल रहा, ऐसा कौन बोल रहा है, गुरु शिष्य परंपरा कहती है कि आप ऐसे हैं, नारद असीत देवल व्यास और सारे ऋषि इस बात की पुष्टि करते हैं। तो ये बात सिर्फ अर्जुन नहीं कह रहा, ऐसा नहीं है कि अर्जुन मित्र है इसलिए अपने मित्र की चापलूसी कर रहा है, इसलिए वो गुरु शिष्य परंपरा का भी हमें जो है प्रूफ देते हैं, एविडेंस देते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा भी ऐसी बात कहती है। तो प्रमाण के साथ अर्जुन बात करते हैं, हे कृष्ण आपने मुझसे जो कुछ कहा उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूं, हे प्रभु ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। तो अर्जुन ने अब सब कुछ स्वीकार कर लिया है कि जो आप कह रहे हैं वो सत्य ही कह रहे हैं और आपको कोई भी नहीं समझ सकता, भगवान को सिर्फ भगवान ही समझ सकते हैं या जिस भक्त पे भगवान कृपा करते हैं वो भगवान को समझ सकते हैं। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, हमें भक्ति को गंभीरता से लेना है, जितनी गंभीरता से हम भगवान की भक्ति करेंगे भगवान भी उतनी गंभीरता से हमारे आगे अपने ज्ञान को प्रकट करेंगे। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं, हे भगवान आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम किस तरीके से भगवान से जुड़ सकते हैं, पिछले कुछ अध्याय में हमसे प्रश्न पूछे गए थे कि हम भगवान से कैसे जुड़े, तो भगवान यहाँ पे हम बताएंगे कि किस तरीके से हम भगवान से जुड़ सकते हैं और हर समय भगवान का चिंतन कर सकते हैं। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें, मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ।
क्योंकि जितना मैं आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। तो अर्जुन ने अब यहाँ पे भगवान से निवेदन किया कि आप पुनः अपने ऐश्वर्य को बताएं। तो भगवान अब अपने यहाँ पे 80 ऐसी विभूतियां हैं जिसको बताएंगे। अब वो जो विभूतियां हैं वो एक संकेत मात्र है, यानी जैसे अगर हम कोई गांव से जाता है दुबई घूमने, है ना, वहां पे बहुत ऊंची ऊंची इमारतों को देखता है, और जब अपने गांव वो वापस आता है तो उसे किसी को बताना होता है कि यहाँ पे इतनी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, तो वो कैसे बताएगा, क्योंकि किसी ने इतनी ऊंची इमारतें नहीं देखी। तो वो क्या करेगा, वो संकेत से बताएगा कि ये जो पेड़ है इस गांव का सबसे ऊंचा पेड़, वहां की इमारतें इसकी 50 गुना है, 100 गुना है, इस तरीके से बताएगा। तो वो एक संकेत के तरीके से बताएगा। इसी तरीके से भगवान अब अपनी विभूतियों को बताएंगे जो संकेत मात्र है, क्योंकि जिससे हम उसे समझ सकें। तो भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं, आदित्यों में मैं विष्णु हूं। आदित्य यानी आदित्य जो है उसके 11 पुत्र थे, उसमें से एक जो थे वो वामन देव भी थे, तो आदित्यों में विष्णु। सितारों में चंद्रमा, तो रात के समय हम देखते हैं भले ही कितने नक्षत्र क्यों ना हो, पर जब तक चंद्रमा नहीं होता तब तक अंधकार ही रहता है। वेदों में मैं साम वेद हूं। तो भगवान ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि साम वेद में बहुत ही सुंदर सुंदर भगवान की स्तुतियां हैं। देवताओं में मैं इंद्र हूं। इंद्र जो है वो देवताओं के राजा है, स्वर्ग के राजा। इंद्रियों में मैं मन हूं। मन जो है वो सारे इंद्रियों को वश में रखता है, इसीलिए भगवान कहते हैं इंद्रियों में मैं मन हूं। जीवित प्राणियों में मैं जीवन शक्ति हूँ। रुद्र में मैं शिव हूँ। तो द्वादश रुद्र होते हैं जिसमें शिव भी, उसमें कहते हैं कि मैं शिव हूँ। यक्ष और राक्षसों में मैं कुबेर हूँ। तो कुबेर जो है हम जानते हैं कि वो सबसे धनवानी जो है यक्ष है। पुजारी में बृहस्पति हूँ। जनरल यानी सेना नायक में स्कंद हूँ, स्कंद यानी कार्तिकेय, तो सेनापतियों में कार्तिकेय हूँ। जलाशय में सागर हूँ। साधु में मैं भृगु हूँ। ध्वनि कंपन में ओम हूँ। पवित्र नाम जप में मैं त्याग हूँ। अचल चीजों में मैं हिमालय हूँ। पेड़ में मैं अश्वत्थ हूँ। देवताओं के ऋषियों में मैं नारद हूँ। और गायकों में चित्ररथ हूँ। चित्ररथ जो है वो बहुत ही कले से ज्यादा, बहुत ज्यादा कलाएं थी उनके पास, तो इसीलिए चित्ररथ हूँ। यानी कहने का अर्थ यह है कि भगवान यहाँ पे संकेत दे रहे हैं कि किस तरीके से सबसे अच्छी जो चीजें होती हैं वो भगवान है। फिर आगे क्या कहते हैं भगवान, पुरुषों में मैं सम्राट हूँ। हथियारों में मैं वज्र हूँ। गायों में मैं सुरभि हूँ, क्योंकि सुरभि गाय हमने पढ़ा है, हमने चर्चा भी करी थी कि किस तरीके से बहुत ज्यादा मात्रा में वो दूध दे सकती है। जनक में मैं मनु हूँ। सांपों में मैं वासुकी हूँ। नागों में मैं अनंत हूँ। जल देवता में मैं वरुण हूँ। पूर्वजों में मैं अरम्य हूँ। कानून के रखवालों में मैं यमराज हूँ। हम अपने देश के कानून से बच सकते हैं, पर हम यमराज के कानून से कभी नहीं बच सकते। तो भगवान कहते हैं कि कानून के रखवालों में मैं यमराज हूँ। दैत्य दानव में प्रहलाद हूँ। प्रहलाद महाराज जो है वो दानव के घर में जन्मे थे, पर भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, इसीलिए कहते हैं कि दैत्य दानव में मैं प्रहलाद हूँ। वश में करने में मैं समय हूँ। समय जो है वो सबसे ज्यादा बलवान है, तो इससे क्या होता है, समय सबको वश में करता है पर समय को कोई वश में नहीं करता, तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि वश में करने वालों में मैं समय हूँ। जानवरों में सिंह हूँ। अब भगवान कहते हैं मैं जानवरों में शेर हूँ। इसका अर्थ यह नहीं है कि शेर जो है वो भगवान है और हम कल शेर के आगे जाके उसकी पूजा करने लगे, ऐसा हम नहीं कर सकते, नहीं तो शेर हमें खा जाएगा। यहाँ पे भगवान संकेत दे रहे हैं कि किस तरीके से जो भी चीजें हैं उसमें मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। शोधक में मैं हवा हूँ। मछलियों में मैं शार्क हूँ। इसलिए शार्क जैसे हमने शेर के लिए कहा, ऐसा नहीं है कि भगवान जो है वो शार्क भगवान हो गया, यानी जो भी शक्तिशाली चीजें, जो भी सबसे अच्छी चीजें वो भगवान है। बहती नदियों में मैं गंगा हूँ। गंगा हमें पता है सबसे शुद्ध नदी में आती है। रचनाओं में मैं शुरुआत, अंत और मध्य हूँ। विज्ञान में मैं आध्यात्मिक विज्ञान हूँ। तर्क में मैं सम्यक सत्य हूँ। ठीक है, सम्यक सत्य यानी तर्क जब करते हैं तो जो लास्ट डिसीजन होता है, जो आखिरी निर्णय होता है। अक्षरों में मैं अ हूँ। अ के बिना कुछ भी अधूरा है ना, जैसे अर्जुन हम कहते हैं अ, या भगवान हम कहते हैं उसमें भी अ आता है, कृष्णा हम कहते हैं उसमें भी अ आता है, अ के बिना सब अधूरा है। फिर क्या कहते हैं भगवान, भजन में मैं बृहत समा हूँ। कविता में मैं गायत्री हूँ। ऋतुओं में मैं वसंत हूँ। वसंत क्या है, जब गर्मी आती है तो लोग कहते हैं कब सर्दी आएगी, जब सर्दी आती है तो लोग कहते हैं गर्मी कब आएगी, पर जब वसंत रहता है तो लोग कहते हैं ठीक है ये सबसे अच्छा मौसम है। तो भगवान ऋतुओं में वसंत है। धोखे में मैं जुआ हूँ।
शानदार में धूमतान हूँ, बलवानों का बल हूँ, पांडवों में पांडव अर्जुन हूँ, साधुओं में व्यास हूँ, और जितने भी सीक्रेट हैं है ना उसमें मैं शांति हूँ। क्यों? क्योंकि शांति ही सबसे ज्यादा जो है वो सीक्रेटिव होता है। जो शांत रहता है उसके अंदर से आप कोई भी गोपनीय बात नहीं निकाल सकते। तो इस तरीके से भगवान ने 80 से ऊपर विभूतियां अपनी बताई। तो इन विभूतियों को भगवान ने संकेत माध्यम से हमें समझाया है। तो भगवान आगे अब क्या बताते हैं, यही नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूं, ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। तो भगवान खुद ही बता रहे हैं यहाँ पे कि मैं ही इस सृष्टि का जनक बीज हूं। तो हम कहते हैं ये सृष्टि कैसे बनी, है ना, बिग बैंग थ्योरी और ना जाने हम क्या क्या कहते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं इस सृष्टि का जनक हूं और ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। हे परंतप, मेरी देवी विभूतियों का अंत नहीं है, मैंने तुम्हें जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। तो जो हमने देखा, जो हमने पढ़ा, वो सिर्फ एक संकेत मात्र है। साहिल प्रभु जी ने बताया ग्रैंडेस्ट ऑफ द ग्रैंड, है ना, हम ऐसे भी समझ सकते हैं। तो वो एक संकेत मात्र ही है। अब भगवान क्या कहते हैं यहाँ पे, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद उर्जितमेव वा तत् तत् एवावगच्छत्वम् मम तेजो असंभवम्। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरी तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। तो केवल एक अंश से सब चीज चल रही है ना, भगवान ऐसा कह रहे हैं। तो इसमें एक कथा आती है भागवतम में, जैसा आप इस चित्र में देख सकते हैं कि जब पांडव जो है वो वनवास में रहते हैं तो वहां पे बहुत बड़े बड़े ऋषियों से मिलते हैं। तो इसी तरीके से एक ऋषि रहते हैं मार्कंडेय ऋषि। तो मार्कंडेय ऋषि को एक वरदान रहता है कि उनकी मृत्यु नहीं होगी और वो हर काल में पृथ्वी पर रहेंगे। तो जब मार्कंडेय ऋषि से पांडव मिलते हैं तो उन्हें इस बात का ज्ञात रहता है कि मार्कंडेय ऋषि जो है वो बहुत कालों से, बहुत युगों से पृथ्वी पर हैं। तो पांडव उनसे पूछते हैं कि ये सृष्टि का निर्माण कैसे होता है, प्रलय कैसे होती है, उस समय क्या होता है जब चारों युग खत्म हो जाते हैं, चतुर्युग, तो उसके बाद क्या होता है, आप अपना हमें एक्सपीरियंस बताएं, आप अपना अनुभव बताएं, क्योंकि आप तो हमेशा से यहाँ पे हैं। तो भगवान कृष्ण भी उस टाइम उनके साथ खड़े रहते हैं पांडवों के साथ। तो जो ऋषि हैं वो बताते हैं मार्कंडेय ऋषि कि जब प्रलय आती है तो सृष्टि जो है जलमग्न हो जाती है, पर क्योंकि मुझे वरदान है मैं मरता नहीं तो मैं तैरता हूँ, मैं तैर रहा था पर तैरते तैरते मैं थक गया था। तब अचानक मैंने देखा कि एक पेड़ है और उस पेड़ पे एक छोटा सा बच्चा इस तरीके से एक पत्ते पे है। तो मैं देख के बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया कि जब सारी सृष्टि जलमग्न है तो ये छोटा सा बच्चा कैसे बच गया। जब मैं ये सोच ही रहा था तो छोटा सा बच्चा मुझे कहता है, हे मार्कंडेय, अपना हाथ दे और ऊपर आ जा। जब ऐसा मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, जब मैंने ऐसा सुना तो मैं बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया कि ये छोटा सा बच्चा मेरा नाम कैसे पुकार रहा है और मुझे ये कैसे बचा सकता है। और जब मैं ये सोच ही रहा था तो इतने में जोर से इस बच्चे ने सांस ली और मैं उसके पेट में चला गया। और पेट के अंदर जब पहुंचे मार्कंडेय ऋषि तो वहां पे एक अलग ही ब्रह्मांड था। और जब ये बालक जब बाहर सांस छोड़ता है तो मार्कंडेय ऋषि बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि तब तक प्रलय समाप्त हो गई। तो इस तरीके से जब वो बताते हैं पांडवों को अपना अनुभव तो भगवान कृष्ण की ओर देखते रहते हैं। तो ऐसे में पांडव भी समझ जाते हैं कि किस तरीके से भगवान की लीला है और सारे जो है भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। तो भगवान यहाँ पे इसीलिए कहते हैं कि सब चीज जो है वो उनके एक अंश मात्र है, है ना। तो भगवान के लिए सब कुछ संभव है। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं क्या, अत्व बहु ने तेना किम ज्ञातेन तवार्जुना विष्ट अभ्याम इदम कृत्रम एकांशेन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है, मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। तो भगवान कहते हैं कि इतना जो ज्ञान मैंने अभी बताया उसकी आवश्यकता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अंश मात्र से इस पूरी सृष्टि को चला रहा हूँ। एक अंश से भगवान इस पूरी सृष्टि को चला रहे हैं। तो इसीलिए हमने क्या देखा, असली मालिक क्या है,
क्या पैसे रुपए डॉलर ही असली मालिक है, या गाड़ी घोड़े और घर असली मालिक है, या भगवान कृष्ण असली मालिक है? तो हमने देखा है कि भगवान जो है वो अपने अंश मात्र से पूरी सृष्टि को चला रहे हैं, ना कि वो भौतिकवादी लोग जो दिन रात कड़ी मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं। हम भले ही सोचें कि हम अपनी इकोनॉमी को, अपने देशों को, अपनी पृथ्वी को चला रहे हैं, पर ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। तो इससे हमारा ये अध्याय खत्म होता है। प्रभुपाद जी के हम कुछ शब्द देख लेते हैं। भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी है, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति से कृष्ण भावनामृत में अपने मनों को एकाग्र करते हैं, अतएव वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक 18 से 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे चतुर्श्लोकी गीता के 18 से 11 श्लोक तक को बताते हैं कि किस तरीके से ये जो चार श्लोक हैं ये कृष्ण की भक्ति और पूजा का स्पष्ट संकेत करते हैं। शुद्ध भक्ति का यही विधि है। यह अध्याय में इसकी बली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो भक्ति में जो एक कदम बढ़ाता है, भगवान उसकी ओर और ज्यादा कदम बढ़ाने लगते हैं। तो इसमें हम एक बार समरी देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा इस अध्याय में कि कृष्ण सभी के स्रोत हैं। शुद्ध भक्ति भगवद गीता का सार यही है कि शुद्ध भक्ति हमें करनी चाहिए, और यही पूरे भगवद गीता का सार है। अर्जुन ने कृष्ण को सर्वोच्च पद को स्वीकार किया। अर्जुन ने कहा ना भगवान को परम ब्रह्म, और क्या क्या इतनी बड़ी स्तुति भगवान की करी उन्होंने। भगवान कृष्ण अपनी विभूति का वर्णन करते हैं, और फिर 80 ऐसी विभूतियां हैं जो भगवान अपने बारे में बताते हैं। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अध्याय था ये, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक कवर करे, और भक्ति के लिए ये बहुत ही मधुर अध्याय था। इससे हमारा ये अध्याय शेष होता है। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, या आप चैट में भी हमसे पूछ सकते हैं। और अगर किसी को अपना अनुभव बताना है जो हमने उस टाइम हैंड रेस करके नहीं ले पाए, आप अपना अनुभव भी हमें बता सकते हैं कि किस तरीके से आपने भक्ति की ओर एक कदम बढ़ाया तो भगवान ने आपकी ओर बहुत ज्यादा कदम बढ़ाए। अगर इस बात का आप अनुभव कर चुके हैं तो भी हमें बता सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण राजीव प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा जी, उनका कोई जन्म नहीं हुआ, वो अजन्मा है। आवाज आ रही है प्रभु जी? जी प्रभु जी, कट रही है, पर आप फिर से बोलिए। मैं बोल रहा हूँ प्रभु जी, विष्णु जी और कृष्णा जी है वो अजन्मा है, उनका कोई जन्म हुआ नहीं है। और उनके नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था, मगर ये शिव जी का जन्म कैसे हुआ है? जी जी प्रभु जी, शिव जी जो है ना, वो जो नाभि से हमने बताया ब्रह्मा जी, वो महाविष्णु की नाभि से कमलनाल निकलते हैं, जिससे ब्रह्मा जी निकलते हैं। शिव जी के लिए शास्त्र में बहुत कुछ लिखा हुआ है। कई शास्त्र में लिखता है कि शिव जी जो है वो विष्णु जी के मस्तिष्क से निकलते हैं। कहीं शास्त्र में लिखा है कि ब्रह्मा जी से शिवजी निकलते हैं। पर शिवजी का प्रभु जी आप हाँ पर शिवजी का जो तत्व है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। शिव तत्व, जैसे हमने पहले उदाहरण देके बताया था आपको कि शिवजी जो है वो जीव तत्व नहीं है, ब्रह्मा जी जीव तत्व है, ब्रह्मा जी की आयु है, पर शिवजी की आयु नहीं है। शिवजी शाश्वत है, शिवजी हमेशा रहते हैं। और शिवजी में और विष्णु जी में क्या फर्क है? दूध और दही का जैसे हमने उदाहरण दिया था कि भगवान जो है दूध है तो शिवजी दही है, तो दूध दही में बदल सकती है, पर दही जो है वो वापस दूध में नहीं बदल सकता। तो शिवजी को तमोगुणी लोगों का उद्धार करने का जिम्मा मिला है, इसलिए जो तमोगुण में है वो भगवान शिवजी की पूजा करते हैं और शिवजी उनका उद्धार करते हैं, उन्हें ऊपर की ओर उठाते हैं। और धीरे धीरे जब तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सतोगुण में आते हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति करने लगते हैं। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा दृष्टि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, जैसे आपने बोला है कि हमें भगवान जी को भोजन अर्पित करके ग्रहण करना चाहिए, खाना चाहिए,
तो ऐसे हम जैसे शॉपिंग करते हैं कपड़े या जेवर, तो वो क्या वो भी हम अर्पित कर सकते हैं भगवान जी को और फिर हम इसको यूज करें? माता जी, कपड़े अगर आप अपने लिए खरीद रहे हैं, माताएं खरीद रही हैं, तो उसको आप कैसे अर्पित करेंगे? तो आप अपने लिए कपड़े खरीदते हैं, अच्छी बात है, कपड़े खरीदना चाहिए, ऐसा नहीं है। बट भगवान के लिए भी, अगर आपके घर में भगवान में भगवान कृष्ण की अर्च विग्रह है, नहीं भी है तो फोटो है, उसको सजाने के लिए आप वस्त्र खरीदते हैं, तो वो भगवान के लिए वस्त्र काफी है। हम अपने वस्त्र भगवान को अर्पित नहीं कर सकते, कैसे करेंगे? और इस तरीके से जो गहने की बात है, जो माताओं के गहने हैं, वो हम भगवान को कैसे अर्पित करें? अगर आपको है तो भगवान की बांसुरी है या भगवान को सजाने के लिए कोई माला है, वो आप खरीद सकते हैं। तो ऐसा है माता जी, थोड़ा हमें प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा, है ना जी? तो, हाँ जी माता जी। पर आप अगर कोई अपने घर में चीज लाते हैं तो भाव के ऊपर है, जैसे छोटे बच्चे हैं या आपके घर में कोई स्टूडेंट है, वो लैपटॉप खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, तो उनके भाव रहते हैं, तो वो अपने मन में भाव में कर सकते हैं कि हाँ ये कृष्णा हमने आपके लिए खरीदा है, ये आप इसको इस्तेमाल। पर कभी वो चीज तो इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अब माताओं के गहने या माताओं के कपड़े तो भगवान को हम कैसे अर्पित कर सकते हैं? हाँ, मेरा कहने का मतलब ये था कि कोई चीज जो हमें बहुत प्रिय हो या बच्चों के लिए या घर में जो हम लाते हैं, तो भगवान को अर्पित करके हम यूज करें। तो आप भगवान से वार्तालाप कर सकते हैं, उनसे आदान प्रदान कर सकते हैं कि हमने ये आज खरीदा है, है ना, हम उनसे बात कर सकते हैं। आप भगवान के लिए भी साथ में कुछ खरीद सकते हैं। जी माता जी, जी जी। और मैं भी ये बोलना चाहूंगी गुरु जी की, मैंने 10 साल पहले आया वृंदावन एस्कॉन मंदिर से ही गीता जी के ये लिया था, जिसको मैंने बहुत कोशिश की पढ़ने की, लेकिन मैं कभी भी उसको पढ़ नहीं पाई, एक दो पेज पढ़ के ही मैं रुक जाती थी। और अभी मेरे पति देव जी ने बताया, जो आपका ये लिंक आया हुआ था, और उनके माध्यम से मैं आपके साथ जुड़ी हूँ, और जिससे मुझे मतलब बहुत सारी प्रेरणा मिली है और काफी गीता को जानने में योगदान जी माता जी काफी अच्छा हो रहा। हाँ जी, बहुत धन्यवाद माता जी। भगवान के प्रति अगर आप एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान जरूर व्यवस्था करते हैं, किसी ना किसी तरीके से हमें पता भी नहीं चलता है, और भगवान हमारे जीवन में किसी गुरु को, शास्त्र को, किसी तरीके से ऐसा कुछ व्यवस्था करते हैं कि हम उनके जा सके। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद माता जी। मैं एक बार चैट से ले लेता हूँ। जी जी प्रभु जी। पवन प्रभु जी कह रहे हैं, काफी बार कोशिश की लेकिन कभी समझ नहीं आई गीता, बहुत से कथा वाचक खोजे लेकिन वो सब भगवत पुराण सुनाते, भगवत गीता नहीं। इस्कॉन को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। विक्रम प्रभु जी कह रहे हैं, मेरे साथ ऐसा ही हुआ, क्योंकि मैं कई टाइम से सोच रहा था, लेकिन अचानक अभी मेरे को मैसेज आया, जो कि मैंने कहीं लिंक भी नहीं किया, तो ये भगवान की कृपा ही है। और सही बताऊं, मैंने कभी इस ओर ध्यान भी नहीं दिया, अभी अपने बोला तो मेरा ध्यान आ गया। जी प्रभु जी, हमें है ना पता भी नहीं चलता है कि भगवान ने कब हम पे कृपा कर दी, बहुत टाइम बाद जाके हमें ऐसा एहसास होता है, अरे ये तो भगवान की कृपा ही थी हमारे ऊपर। कमला माता जी भी कह रहे हैं कि मेरा भी एक्सपीरियंस ऐसा रहा, मन बहुत था बट पढ़ने के लिए फेसबुक पे उन्होंने देखा और वहां से उन्होंने ज्वाइन किया। जी माता जी। अंकिता माता जी कह रहे हैं कि कर्म योग का कॉन्सेप्ट समझ गई, तब से कर्म करने में मतलब अच्छा बुरा का ख्याल आ गया और मेन पॉइंट समत्वम योग उच्चते स्ट्रेस रिलीफ में यूजफुल है। और कान्हा बिथमी, ये मेरी पॉजिटिविटी मुझे रिलैक्स करती है। जी माता जी, हम समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है। कविता माता जी कह रहे हैं कि प्रभु जी, मैंने 3 बार इस्कॉन की क्लासे अटेंड करी है, नंद पुत्र प्रभु जी, सुधाकर प्रभु जी, और फिर उन्होंने बुक भी ऑर्डर करी है, तो उनको बहुत ही अच्छा लग रहा है। धन्यवाद माता जी। अमित प्रभु जी कह रहे हैं कि अगर वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो क्लास कम पड़ जाएगी, तो प्रभु जी पे बहुत ज्यादा कृपा हुई है प्रभु जी। हरि बोल प्रभु जी। ठीक है माता जी, अब हम हैंड रेज ले सकते हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा परविंदर प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, जीव का एकमात्र लक्ष्य जो है वो परम भगवान को जाना है,
और फिर जान के उनके साथ अपने संबंध को स्थापित करना है। तो ये हम महाभारत के कुछ पात्रों को देखते हैं जो पता था कि ये सर्वोच्च भगवान है, भगवान कृष्ण ही भगवान है, विदुर जी जैसे हैं। तो प्रभु जी, जब दुर्योधन ने उनको दुत्कार करके सभा से भगा दिया उनको, तो जब उनको ये पता था कि ये परम भगवान है, तो उनकी शरण ना लेके वो तीर्थाटन पे चले गए। और दूसरा, प्रभु जी संजय हैं, संजय भी अपने श्लोक में बोलते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र विजयश्रीयो पूर्ति भवा, कि जहां भगवान है ये वहां भी विजयश्री भी वही है। और ये ऐसा मेरा मत है, मतलब अब युद्ध से पहले अपना मत भी दे दिया कि पांडवों की ही जीत होगी। तो जब उनको पता था प्रभु जी यही परम भगवान है और धृतराष्ट्र तो सुधरना नहीं है, तो क्यों इसके पीछे मैं 18 दिन अपने खराब करूं, क्यों ना मैं भगवान की अभी भी शरण ले लूं। तो ये दोनों पात्र जानने के बाद भी प्रभु जी अलग एक तरीका कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये? जी 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 जी, विदुर जी है ना, विदुर जी प्रभु जी यमराज थे, उन्हें श्राप मिला था इसलिए वो धरती पे उनका जन्म हुआ है ना। तो इसके कहानी है, हम बाद में चर्चा करेंगे कि क्या उनको श्राप मिला, पर विदुर जी साक्षात यमराज हैं और वो जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो परम सत्य है, वो भगवान है। तो भगवान जब आते हैं ना, तो जैसा हमने कहा था कि जब वो लीलाएं करते हैं, अब जैसे अर्जुन है, अर्जुन तो उनका नित्य पार्षद है पर फिर भी वो मोह में आता है। तो विदुर जी जो है वो जानते थे कि कृष्ण भगवान है क्योंकि वो खुद ही साक्षात यमराज थे। तो जब हमने पढ़ा गीता में, जैसा श्रेष्ठ पुरुष अपना आचरण करते हैं वैसा लोग उनका अनुसरण करते हैं, तो वो भगवान की शरण में तो हमेशा से ही थे प्रभु जी। विदुर जी भगवान की शरण में हमेशा से थे, तो वो दिखाते हैं कि किस तरीके से जो वर्णाश्रम धर्म का हमें पालन करना चाहिए, किस तरीके से हम अपनी वृद्ध अवस्था में जब हमारी आयु बढ़ती है तो ब्रह्मचार्य से ग्रस्त, ग्रस्त से वानप्रस्थ, वानप्रस्थ से संन्यास में जाना चाहिए। बाद में धृतराष्ट्र भी सब कुछ छोड़ के चले गए थे, श्रीमद् भागवतम में जब आप पढ़ेंगे, जब उनके 100 पुत्रों की हत्या हो गई थी तो वो भी जो है चले गए थे और उन्होंने भी अष्टांग योग की पद्धति से फिर अपना देह त्यागा था। तो जहाँ पे अपने आचरण से जो ये पात्र हैं वो सिखाते हैं कि आगे कलयुग के लोगों को किस तरीके से अपना स्वभाव और अपना उनका अनुसरण करना पड़ेगा। वो हमेशा से भगवान के शरण में थे प्रभु जी, ऐसा नहीं है कि वो भगवान के शरण में नहीं थे। संजय, संजय भी जानते थे, तो संजय भी इसलिए कहते हैं कि जब मैं भगवत गीता के संवाद को पढ़ता हूँ तो मैं रोमांचित हो उठता हूँ। अब धृतराष्ट्र की जहां तक बात है, धृतराष्ट्र मोह में थे, वो पूरी तरीके से आसक्त थे अपने पुत्र है ना, पुत्रों के मोह में। तो जो आसक्त रहते हैं, जिनके मन में भक्ति नहीं रहती, तो भगवान ने तो बार बार गीता में कहा है, हमने बहुत बार पढ़ लिया है कि जिनके मनों में मेरे प्रति भक्ति नहीं है वो असुर हैं और वो मुझे कभी भी नहीं समझ सकते। भगवान को सिर्फ उनके भक्ति समझ सकते हैं ना, बिना श्रद्धा के हम बिल्कुल नहीं समझ सकते। तो धृतराष्ट्र की यही गति होनी थी प्रभु जी, क्योंकि उनको भगवान के प्रति बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं थी। प्रभु जी, ये आपने अभी भगवान के ऐश्वर्यों में एक ऐश्वर्य बताया कि भगवान बलवानों के बल है जी। तो प्रभु जी, हम कलयुग में देखते हैं कि बहुत से ऐसे, आसपास हम भी देखते हैं कि बहुत सारे बलवान हैं, उनके पास बल भी है और बुद्धि भी है, लेकिन वो अपनी बल और बुद्धि का इस्तेमाल जो है वो अत्याचार करने में और कपट करने में कर रहे हैं जी। तो प्रभु जी, ये कपट करने की बुद्धि और बल भी क्या भगवान से आ रही है उनको? नहीं प्रभु जी, भगवान हमेशा जो पॉजिटिव चीजों में रहते हैं ना, भगवान ने हमेशा कहा, अब ऐसे तो कोई बल और बुद्धि की बात करें, ऐसे तो लोग किसी का मर्डर भी करते हैं तो आप कहेंगे अरे भगवान ने उन्हें इच्छा दी, भगवान ने उनको कहा मर्डर करने, उनके अंदर तो परमात्मा है। परमात्मा तो हर किसी के अंदर है, ये तो हमने पहले भी देखा है कि हर किसी जीव में जिसमें आत्मा है उसमें परमात्मा है और परमात्मा साक्षी रूप में वहां रहती है। भगवान जब अपनी विभूतियां बताते हैं तो कहते हैं कि जितनी भी चीजें उसमें सर्वश्रेष्ठ चीज मैं हूँ। जैसे अगर चाकू है ना, अगर सरकार चाकू बनाने को परमिशन देती है तो कोई उसका अच्छा इस्तेमाल भी कर सकता है, तो कोई उसी चाकू से किसी की हत्या भी कर सकता है। तो भगवान को हमें नेगेटिव हिसाब से नहीं लेना है, नेगेटिव रूप में नहीं लेना, जो भी पॉजिटिव चीजें हैं उनमें जो सर्वश्रेष्ठ है वो भगवान है, ऐसे हमें समझना है इस बात को प्रभु जी। क्योंकि जीव जो है वो इच्छा करता है माया में आके, और वो इच्छा जब गंदी होती है, जब खराब इच्छा होती है, तो इसके लिए वो खुद भी भुगतता भी है प्रभु जी। इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान वो गंदा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इच्छा जो है वो जीव की होती है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। तो प्रभु जी, आपका मतलब ये है कि वो जो पॉजिटिव चीज है वो भगवान से आ रही है और वो जो नेगेटिव
हरे कृष्ण प्रभु जी, आपकी आवाज बहुत कट रही है। आपकी आवाज कट रही है प्रभु जी, आप फिर से कुछ। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप एक बार फिर से नहीं आ रही प्रभु जी, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, आप नेटवर्क चेंज करिए। आते ही बहुत डिस्टरबेंस आ रही है वहां से। आप और प्रभु जी वो म्यूट पे ही है, बट उनकी आवाज कैसे आ रही है नहीं? अच्छा प्रभु जी, हरे कृष्ण। मैं आपकी बात को ये समझाऊं कि जो पॉजिटिव चीजें हैं सिर्फ वो भगवान से आ रही हैं, वो जो नेगेटिव चीजों में इस्तेमाल कर रहा है वो अपनी बुद्धि से बल से कर रहा है। ठीक जी प्रभु जी, जी 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 जी, हरे कृष्ण। साहिल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, अभी भी आपने बोला कि हर जीव में भगवान जी हैं, पर कल हमने पढ़ा था भगवान जी ने बोला था कि मैं सब मुझ में है पर मैं सब में नहीं हूँ। ये थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, मतलब ये कंफ्यूजन किस लिए है? नहीं नहीं प्रभु जी, इसको ऐसे नहीं समझना। हर जीव में भगवान है, इसका अर्थ है कि हमारे अंदर परमात्मा है ना। हर जीव हर शरीर में दो आत्माएं होती हैं, एक हमारी जीवात्मा और एक परमात्मा। ठीक है, ये बात हुई। दूसरी बात ये हुई जो कल हमने कहा था, उसका हमने उदाहरण दिया था कि अगर आप किसी घर के अंदर हैं तो घर में आप हैं पर आप घर नहीं हैं। जैसे भगवान ने, जब भगवान बालक थे, जब वो मिट्टी खा ली थी उन्होंने, तो मैया ने जब उनके मुख को खोला मिट्टी निकालने के लिए, तो उसके अंदर ब्रह्मांड के दर्शन किए। तो अब भगवान जब वृंदावन में थे या द्वारका में थे या कहीं भी थे, तो वो ब्रह्मांड के अंदर हैं, पर जब मुख खोलते हैं तो उनके अंदर ब्रह्मांड दिखता है। तो ये जो द्वैतवाद है ना, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये सिर्फ भगवान कर सकते हैं। तो इस चीज को हमने समझाने के लिए कहा था कि अगर आप घर के अंदर हैं तो आप घर में हैं पर आप घर नहीं हैं। तो ये एक बात हुई, परमात्मा रूप में भगवान हर जीव के अंदर है, ये दूसरी बात हुई। प्रभु भगवान तो कहते हैं ना परमात्मा रूप में, वो हर किसी के अंदर में। ठीक है, ये दो अलग अलग बातें प्रभु जी। तो उसको ये माना जा सकता है कि भगवान सबके अंदर है पर सब भगवान नहीं है। भगवान बोल रहे कि मैं सब मेरे अंदर है बट सब भगवान नहीं है, यही इसको इस तरह से लिया जा सकता है। भगवान तो कोई नहीं है प्रभु जी, हम सब भगवान। मतलब वो ये कहना चाह रहे उस जो कल वाले अध्याय में वो बोलना चाह रहे थे प्रभु जी। आप मैं ठीक से समझ नहीं पाया आप क्या बोलना चाह रहे हैं। कल जैसे बोला गया था उस श्लोक में कि मैं सब में हूँ, नहीं सब मुझ में है बट सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, इस वजह से मैं क्वेश्चन को सही से बता नहीं पा रहा हूँ। थोड़ा इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, पर इस चीज को हम उदाहरण के तौर पर ही अच्छे से समझ सकते हैं प्रभु जी। क्योंकि ये हम इसलिए नहीं समझ सकते हैं क्योंकि हम, हमारी बुद्धि नहीं है कि हम इसे विजुअलाइज कर सके, क्योंकि हम ऐसा कर नहीं सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे, हम इस बात पर चर्चा करें कि आप ब्रह्मांड के अंदर होते हुए भी अपने मुख के अंदर ब्रह्मांड कैसे दिखा सकते हैं, तो इस बात को हम नहीं समझा सकते हैं ना प्रभु जी। हम कैसे समझाएंगे इस बात को कि भगवान ब्रह्मांड के अंदर है पर जब अपना मुख खोलते हैं तो उसके अंदर माता को ब्रह्मांड दिखता है। तो ये जो चीज है ये सिर्फ भगवान के लिए पॉसिबल है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसको सिंपल रखने के लिए हमें ऐसे समझना है, जैसे हमने उदाहरण के तौर पर समझाया कि अगर आप किसी घर के अंदर हैं तो आप घर के अंदर हैं पर आप घर नहीं है ना, इस तरीके से इसको समझना है। और परमात्मा का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा अलग है। हर शरीर में दो आत्माएं होती हैं, एक जीव आत्मा और एक परमात्मा। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, मतलब परमात्मा और उसमें भगवान में थोड़ा डिफरेंस करके अगर उसको समझा जाए तभी समझा जाएगा। परमात्मा में और भगवान में डिफरेंस प्रभु जी आप यही कह रहे हैं? जी प्रभु जी। नहीं नहीं प्रभु जी, भगवान यानी श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण जो है वो विस्तार लेते हैं विष्णु के रूप में, महाविष्णु, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में विस्तार लेते हैं, और गर्भोदक्षाय विष्णु जो है वो शीरोदक्षाय विष्णु के रूप में विस्तार लेते हैं, जो हर किसी के अंदर परमात्मा रूप में है।
तो परमात्मा जो है वो भगवान ही है, वो विष्णु ही है, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है प्रभु जी। एक विष्णु है और एक भगवान जो कृष्ण है, कृष्ण और विष्णु एक ही है, तो परमात्मा में और भगवान में कोई फर्क नहीं है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, जी प्रभु जी, थोड़ा समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट कोशिश करता हूँ जी, नहीं तो मैं कल आपसे फिर से पूछता हूँ। जी 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 प्रभु जी, एक क्वेश्चन और है जी प्रभु जी। मेरे, मैं वाइफ का एग्जांपल लेता हूँ, वो बोलती हैं कि हमारे को हमारे पंडित जी ने बोला हुआ है, मतलब ज्योतिष जी ने बोला हुआ है कि हमें हमें भक्ति नहीं, हमारे उसमें भक्ति नहीं है, भक्ति ज्ञान नहीं मिलेगा। तो मैं ट्राई करता हूँ बोलने की कि तुम ट्राई करो, शायद मिलेगा, शायद क्या मिलेगा ही, ट्राई करो, बट वो इसी बात पे हमारी लड़ाई होती है कि वो बोलते हैं कि नहीं, लिखा ही यही हुआ है कि नहीं मिलेगा, तो मैं कैसे भक्ति की तरफ ले जा सकता हूँ। तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि हम कर्म कांड को किसी ऊपर मान रहे हैं ना, अगर हम कहते हैं कि यानी एस्ट्रोलॉजी ऊपर है, भक्ति नीचे है, इसका अर्थ ये हो गया कि जो एस्ट्रोलॉजी कहेगी वैसा होगा, तब तो हमें भक्ति नहीं करनी चाहिए, तब तो हमें देखना चाहिए कि एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, क्योंकि हम वही करेंगे। अगर एस्ट्रोलॉजी कहती है कि हम भक्त बनेंगे तो हम भक्त बनेंगे, नहीं तो हम नहीं बनेंगे, पर ये तो नहीं है पॉसिबल, ये तो गलत है, क्योंकि भक्ति सबसे ऊपर है। तो इसमें भक्त के जीवन में एस्ट्रोलॉजी भी फेल हो जाती है, आचार्य बताते हैं बड़े बड़े और सीनियर डिवोटीज भी बताते हैं कि जब कोई भक्त एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है तो एस्ट्रोलॉजर उनको कहता है आपको गुस्सा बहुत आता है, तो भक्त कहता है नहीं, गुस्सा आता था, अब नहीं आता है। तो इस तरीके से, तो एस्ट्रोलॉजी भी फेल हो जाती है भक्त के जीवन में, क्योंकि वो भगवान पे पूरी तरीके से निर्भर रहता है, और भगवान तो हर किसी चीज के स्वामी है ना, तो वो जो चाहे कर सकते हैं। वो अगर आपके, भगवान कहते हैं कि मैं, क्या वो कहते हैं भगवान की, जब मेरी शरण में तुम आओगे तो मैं तुम्हारे सारे पुराने पापों को नष्ट कर दूंगा। तो अगर हम इसको ऐसे समझें, एस्ट्रोलॉजी यानी आपके ऐसे ग्रह जो आपको आपके पुराने कर्म के फल देंगे, जिससे आपको भुगतना पड़ेगा, तो भगवान जब आपके पुराने फलों को, पाप कर्मों को हर लेंगे, तो यानी एस्ट्रोलॉजी में तो ग्रह के पोजिशन होते हैं, तो उन ग्रहों का क्या होगा, यानी भगवान तो चेंज कर देंगे ना। अगर आपके एस्ट्रोलॉजी वही है, आपको अगर भुगतना ही है, अगर आपके अंदर राहु की दशा है या केतु की दशा है, तो फिर आपको तो भुगतना ही है, तो भगवान तो कुछ नहीं बदल सकते हैं। पर भगवान तो कहते हैं कि मैं आपके पुराने कर्मों के फलों को बदल सकता हूँ। तो प्रभु जी इसमें ऐसा नहीं है, भक्तों के जीवन में एस्ट्रोलॉजी फेल हो जाती है। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सही से बताया आपने जी, मैं फिर से इससे ट्राई करता हूँ कि मैं उसी पाथ पे ले जाने की कोशिश करूँ। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा लवकुश प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं ये जानना चाह रहा था, हेलो जी प्रभु जी बोलिए। अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि हर जीव में दो जीव आत्माएं होती है। जी प्रभु, दो जीव आत्माएं नहीं, एक जीव आत्मा एक परमात्मा। अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी, एक जीव आत्मा एक परमात्मा। तो ये तो सत्संग में सुना है कि ये जहाँ तिलक लगाते हैं यहाँ आत्मा रहती है, तो परमात्मा का वास किधर रहता है? परमात्मा हमारे हृदय क्षेत्र में रहते हैं, भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, हमारे हृदय के क्षेत्र में, रीजन ऑफ द हार्ट। अच्छा अच्छा, और ये आत्मा जो हमारी रहती है जिधर हम तिलक लगाते हैं उधर रहती है? आत्मा और परमात्मा दोनों हृदय क्षेत्र में रहते हैं। आत्मा परमात्मा दोनों हृदय क्षेत्र में रहते हैं? जी प्रभु जी। अच्छा जी, चलिए, कुछ लोगों ने बताया था कि ये दो भ्रकुटे के बीच में रहती है जहाँ हम लोग तिलक लगाते हैं मत्थे पे, बोले इधर रहती है आत्मा, अगर इधर रहती हृदय के पास में तो बाईपास सर्जरी वगैरह होती है, तो फिर लोग खत्म ही हो जाते। तो भगवान ये नहीं कह रहे हृदय में मैं रहता हूँ, हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, रीजन ऑफ द हार्ट। अच्छा, ऐसा नहीं कह रहे हृदय में रहता हूँ, भगवान कह रहे हैं हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, ठीक है, रीजन ऑफ द हार्ट। जी प्रभु,
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाईपास करवा लीजिए, चाहे हार्ट को बदलवा लीजिए, रीजन ऑफ द हार्ट में रहते हैं प्रभु जी, ठीक है ना, मतलब दूसरा हार्ट भी चेंज हो जाएगा तो भी इंसान की मृत्यु नहीं हो सकती, मेडिकल रीजन से हो सकती है, पर इसलिए नहीं कि आपने हृदय निकाल दिया तो परमात्मा निकल गए, ऐसा नहीं है प्रभु जी। अच्छा अच्छा हृदय निकाल दिया तो परमात्मा निकल गए, लोग पूछते हैं, लोग कहते हैं कि अगर भगवान हृदय में है तो हमने हृदय निकाल दिया तो परमात्मा निकल जाएंगे क्या, तो आचार्य बताते हैं भगवान ने कहा हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, इंग्लिश में रीजन ऑफ द हार्ट जी प्रभु। चलिए चलिए, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, हरे कृष्ण प्रभु जी। और किसी का भी तो हैंड रेज नहीं है, चैट में है क्या क्वेश्चंस? हाँ माता जी, मैं चैट से लेता हूँ। दिशा माता जी कह रहे हैं, मैंने बहुत सारे सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़े हैं लेकिन फिर भी मन को शांति प्राप्त नहीं हो रही, इसलिए भगवत गीता को पढ़ने का मन हुआ, खुद से पढ़ने की कोशिश की थी लेकिन रस नहीं आ रहा था पढ़ने में, फिर कुछ महीनों पहले प्रज्ञा माता जी का व्हाट्सएप स्टेटस पर 18 दिन का लिंक देखा तो उनकी सहायता से इस क्लास में जुड़े। हरी बोल माता जी, आपने बहुत भक्तों को जोड़ा है। नहीं प्रभु जी, ऐसे कुछ नहीं। अरे कृष्णा। जिगना माता जी कह रहे हैं, कभी कभी कोई बारिश में कान्हा जी को याद कर रहे हैं तो कोई ना कोई साइन देते हैं कोई परिस्थिति में। जी माता जी, भगवान हमारी हमेशा मदद करते हैं, चाहे सिचुएशन प्रतिकूल हो चाहे अनुकूल, भगवान हमारे पिता हैं, पिता अपने बच्चे का कभी भी बुरा नहीं चाहता है ना, भले ऊपर से पढ़ा दिखे पिता पर अंदर ही अंदर अपने बच्चे का कल्याण ही चाहता है, तो भगवान तो हमारे परम पिता हैं, वो हमारा बुरा क्यों चाहेंगे, है ना। ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिविटी से सब परिपूर्ण हो रहा हूँ, हरी बोल, धन, बहुत ही खुशी है प्रभु जी, शिव कुमार प्रभु जी। ठीक है माता जी, भगवान कृष्ण योगेश्वर है, योगेश्वर शब्द का विस्तार क्या है? लवलीन माता जी कह रहे हैं, प्रभु जी मुझे शील प्रभुपाद जी की, प्रभु जी योगेश्वर शब्द का विस्तार, मतलब आप शायद उस शब्द का अर्थ समझना चाह रहे हैं, आप अपना हैंड रेस करिए प्रभु जी, हम आपके प्रश्न को अच्छे से लेंगे। लवलीन माता जी कह रहे हैं, प्रभु जी मुझे शील प्रभुपाद जी की जीवनी पर किताब चाहिए, पीडीएफ हो तो कृपया बताइए, बैंगलोर इस्कॉन पर नहीं मिली मुझे। माता जी, प्रभुपाद जी की जीवनी पे किताब है प्रभुपाद बोल के, पीडीएफ तो मेरे पास नहीं है माता जी, बट आप इसे अमेजोन से खरीद सकते हैं माता जी, अमेजोन पे अवेलेबल है, प्रभुपाद बोल के किताब है, बहुत ही अच्छी किताब है, आपको पढ़नी चाहिए, मैंने भी इसे पढ़ा है और अब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, अमेजोन से खरीद सकते हैं माता जी। सौरभ प्रभु जी, रीजन ऑफ द हार्ट प्रभु जी, रीजन ऑफ द हार्ट मतलब हृदयेषु, यानी हृदय के आसपास उसी क्षेत्र में, क्षेत्र ऐसा कह सकते हैं, हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ठीक है प्रभु जी। माता जी एक हैंड रेज है, आप ले सकते हैं। जी 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 प्रभु जी, हरे कृष्णा, हर्ष प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे मतलब रोज 16 माला हो रही है बट ऐसा है कि सुबह नहीं कर पा रही क्योंकि ड्यू टू लेजीनेस या कुछ कह लो, बट अगर हम सुबह करने भी, अगर मैं 4 बजे उठती भी हूँ तो 2 या 3 माला होती है, उसके बाद फिर नींद आती है तो सो जाती हूँ, देन उसके बाद कॉलेज, फिर उस 5-6 बजे वहां से आना, फिर घर का काम, एक्चुअली घर में कोई कृष्णा कॉन्शियस नहीं है तो खाना भी मैं अपना खुद बनाती हूँ, तो उसके वजह से मेरा वो शेड्यूल सेटअप नहीं हो रहा, तो माला जो है मेरी इस टाइम पे होती है कि साथ साथ में मैं लेक्चर भी सुन रही हूँ और माला भी कर रही हूँ, खुद को भी अच्छा नहीं लगता, तो इसको कैसे सेटल करूं मैं? नहीं माता जी, लेक्चर और माला तो एक साथ, क्योंकि हम फिर भगवान की ओर ध्यान नहीं दे रहे ना माता जी। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि अगर हम जो नाम है ना, नाम को हम नाम प्रभु कहते हैं, तो अगर आप भगवान को अपनी जिभा पे निमंत्रण देते हैं कि आप आइए मैं आपका नाम जपना चाहता हूँ, फिर साथ साथ में आप लेक्चर भी सुन ले, तो वो मतलब वो ठीक नहीं है माता जी। हाँ जी, तो प्रभु जी जैसे सुबह मतलब मैं करना चाहती हूँ बट नींद पता नहीं क्यों मेरे को इतनी आती है कि शायद फिजिकल वीकनेस की वजह से, बट मैं सोच नहीं पा रही कि मैं क्या करूँ कि मैं सुबह उठ के जल्दी माला करूँ। माता जी आप जल्दी सोने की कोशिश करिए,
ठीक है, जो सबसे प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल सबसे सॉल्यूशन है, अगर आपको जल्दी सोए तो आप जल्दी सोए, बट माताओं के लिए कभी दिक्कत रहती है ये बात ठीक है, और अगर आप ऑफिस भी जाते हैं तो दिन में भी सोने का समय नहीं मिलता है, ये भी बात सही है, बट प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें 6 घंटे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए, तो कोशिश करें कि 6 घंटा सोएं, जल्दी सोएं, अगर आप 10 बजे तक भी सोते हैं तो आप 4 बजे उठ सकते हैं, और कोशिश करें कि सवेरे ही अपनी माला को खत्म कर लें। अगर आप सवेरे अपनी माला नहीं कर पाते हैं, अगर आप मंगल आरती करते हैं, तो अगर आप ऑफिस जाते हैं तो वाहन से जाते हैं, जिस चीज से भी जाते हैं, तो कोशिश करें कि वहां पे कर लें, ऐसा करके कर सकते हैं माता जी। तो थोड़ा समय उसके हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा, जैसे हमारे भक्ति शास्त्री कोर्स में कुछ हमारे सहपाठी हैं, वो ऑफिस में लंच आवर्स में करते हैं माला, तो शुरू में उनको अटपटा लगता था, जैसे लंच अगर 1 घंटे का होता है तो वो आधे घंटे में खाते हैं, बाकी आधे घंटे में वो अपनी सीट पे कोने पे बैठ के माला करते हैं, तो शुरू में लोग उनको डिस्टर्ब करते थे, पर बाद में उन्हें पता चल गया कि ये माला करते हैं, तो लोग अब उनको डिस्टर्ब भी नहीं करते हैं। तो सब अपना अपना थोड़ा माता जी अपने दिनचर्या के हिसाब से थोड़ा समय निकालते हैं। जी माता जी, तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा शेड्यूल ठीक करना पड़ेगा माता जी। प्रभु जी मैं कुछ कहूँ इस पे? जी माता जी, गौरी श्याम प्रभु जी ने बताया था उनके लेक्चर में कि हम अगर 9 से 12 में सोते हैं ना, तो 3 घंटे के अलावा हम 4 घंटे पकड़ना है उसको नींद, मतलब 9 से 12 में अगर सोते हैं ना हम, अगर 9 बजे सो गए ठीक है, तो हम 3 बजे तक 7, अगर 3 बजे भी उठते हैं ना तो ये 7 घंटे हो गए, 6 नहीं। माता जी एक्चुअली मेरे को ना नींद ही बहुत ज्यादा आती, मतलब जब भी मेरे को तकिया दिखे तो मेरे को नींद आ जाती है, तो उस वजह से मैं खुद पे गुस्सा भी आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि मेरे को नींद क्यों आ रही है, मैं माला करना चाहती हूँ। एक्चुअली आज भी मैं सुबह उठी थी 4 बजे, पूरा मैं नहा ली थी या कुछ था, माला करी, बट 2 माला करी उसके बाद फिर मैं सो गई, ऐसा हो रहा है। माता जी आप 6 घंटे से अगर ज्यादा सो रहे हैं ना, तो मन को थोड़ा कड़ा करिए, क्योंकि 6 घंटे की नींद पर्याप्त है, और हाँ तो इसमें तमोगुण से हम कभी कभी ज्यादा प्रभावित होते हैं, जब हमें ज्यादा नींद आती है, हो सकता है आप डिनर लेट करते हैं उसके कारण भी प्रभाव पड़ता है, डिनर जल्दी करिए, हल्का खाइए, पर मन को थोड़ा कड़ा करके नींद को कंट्रोल करिए माता जी। अगर आपको बैठ के माला नहीं होती है ना, घूम के माला करिए, उससे नींद नहीं आएगी, आँख खोल के माला करिए। जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। और एक हैंडरेज है प्रभु जी, हरे कृष्ण नरसिंह प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण नरसिंह प्रभु जी। मैं प्रभु जी एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, मैं पूछना चाहता हूँ, मैं ये चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, मैं क्या पूछना चाहता हूँ ना, हम गीता में ये सीखे कि जब एक आदमी गुजर जाता है तो उसका आत्मा कहीं नहीं जाता, वो तो और एक जीव में चला जाता है या फिर भगवत धाम जाता है। तो टेक फॉर एग्जांपल एक आदमी जो कि तमोगुण में था और उसका देहांत हो गया, तो उसका जो आत्मा और कौन सा जीव में जाएगा, तो वो कैसे तय होता है? जी जी जी, माने हाउ, माने टेक फॉर एग्जांपल दैट फेलो इज अ थीफ, ये जो मैंने चोरी करना उसका ये था, और ऐसे तो उसका क्या, मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ सर ना, आज ऑफिस में मैं ये जो गीता की बात बताया तो एक स्टाफ मेरा मेरे को बोला आके कि पूछा तो ऐसे कैसे, मैं कैसे वो कौन सा इसमें जाएगा, जीभ में होगा, मैं बोला कि मैं आज पूछूंगा देन प्लीज सर, मैंने डोंट टेक इट अदरवाइज, ये मेरे दिमाग में आया तो मैं पूछा कैसे, मैंने हाउ टू। प्रभु जी भगवान कहते हैं ना कि हमारा अगला शरीर 2 चीजों पे निर्भर करता है, एक हमारे कर्मों पे और दूसरा मरते समय हमारे जैसे भाव रहते हैं उस पे। अच्छा, तो मान लीजिए कोई चोर है तो उसने पूरी जिंदगी चोरी ही करी है ना, दूसरों को चूना लगाया, दूसरे को चोरी करके हो जाए, और मरते समय उसका भाव ये रहता है कि वो चोरी में नहीं कर पाया, तो अपने कर्मों और अपने भाव के हिसाब से उससे अगला जन्म मिलेगा। अच्छा, तो हो सकता है अगला जन्म में वो दोबारा मनुष्य बने और दोबारा वो चोरी को अंजाम दे, उसके बाद उसे फल मिलेगा, तो वो ऐसा बुरा
पूरा जीवन चक्र उसका चलेगा, पूरा फंसेगा, इस तरीके से उसको कानून सजा देगी कि इसी जन्म के नहीं, वो पिछले जितने जन्मों में उसने गलत काम किए सबका फल उसे भुगतना पड़ेगा। तो दो चीजें सबसे ज्यादा आवश्यक हैं जो हमारा अगला शरीर निर्धारित करती है, एक हमारे इस जन्म के कर्म और दूसरा मरते समय हमारे जो भाव रहते हैं वो भाव रहता है। अच्छा, ये दो पॉइंट्स। अच्छा, थैंक यू हरे कृष्ण। भगवान कहते हैं कि अगर कोई अच्छे गुणों में मरता है तो उच्च लोकों में जाता है, तमोगुण में उसमें मरता है तो नीचे लोकों में जाते हैं। नीचे लोक का मतलब जो पृथ्वी से नीचे लोक है। तो जब हम कहते हैं ना तीनों लोक का अर्थ ये नहीं है कि यहाँ पे तीन प्लैनेट्स की बात हो रही है। तीनों लोक मतलब मृत्यु लोक यानी जिसमें अभी हम हैं, उसके ऊपर वाले लोक और उसके नीचे वाले लोक। तो उसके ऊपर लोक में हम जैसे पढ़ते हैं गायत्री मंत्र में ओम भूर्भुव स्व, तो भूर्भुव स्वर्ग करके ब्रह्म लोक तक जाता है। और नीचे जो है नर्क जो लोक होते हैं अतल वितल पतल बहुत सारे होते हैं, तो ऐसे कुल मिलाकर 14 होते हैं और उसके नीचे फिर नर्क लोक होते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे लोक होते हैं, तो उसके हिसाब से वो कहीं भी जा सकता है। जैसे चंद्र भी एक लोक है, सूर्य भी लोक है, तो आत्मा हमारी चंद्र लोक में भी जा सकती है, सूर्य लोक में भी जा सकती है, तो कहीं भी जा सकती है। हमारे कर्मों पे और हमारे मरते समय के भाव पे ये निर्भर करता है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। मंजू माता जी कह रहे हैं ट्रैवलिंग के टाइम भी चैंटिंग कर सकते हैं क्या, कैसे मेट्रो में बैठे हुए हैं या फिर किसी के ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हैं। माता जी, जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें समय के लिए माताओं के लिए बहुत दिक्कत रहती है, तो वो समय आप अकेले रहते हैं, खाली रहते हैं, तो आप कर सकते हैं। सबसे अच्छा है ब्रह्म मुहूर्त में बैठ के आराम से चैंटिंग करें, पर अगर वो नहीं कर पाते हैं ना, कहीं समय की कमी रहती है, तो आप ट्रैवलिंग में कर सकते हैं, पर माला लेके करिए माता जी, वो ज्यादा अच्छा रहता है। क्या भक्ति करने वाले व्यक्ति को 6 घंटे की नींद लेनी चाहिए, ज्यादा नींद भी अच्छी नहीं होती है, ज्यादा नींद भी अच्छी नहीं होती क्या? 6 घंटे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए। प्रभुपाद जी अपनी किताबों में लिखते हैं कि जो 6 घंटे से ज्यादा सोता है वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी भक्ति दृढ़ नहीं रहती। वैसे तो आचार्य रहते हैं जैसे नामनिष्ठ प्रभु जो इस्कॉन मंगलूर के अध्यक्ष हैं, वो 2-3 घंटे से ज्यादा नहीं सो पाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। प्रभुपाद खुद 2 घंटे से ज्यादा कभी नहीं सो पाते थे, और कभी कभी तो सोते ही नहीं थे। पर ये भक्तों के लिए है जो अभी अपनी भक्ति शुरू कर रहे हैं कि हमें 6 घंटे से ज्यादा नींद नहीं लेनी चाहिए, उससे कम में अगर हमारा होता है तो बहुत अच्छी बात है। जी माता जी। जिग्न माता जी कह रहे हैं कि यूके में उनको किताबें चाहिए। माता जी आप वहां के लोकल मंदिर से खरीदें, लंडनेश्वर करके जो इस्कॉन मंदिर है वहां से आप खरीदें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, जल्दी बुक्स मिल जाएंगी आपको। ठीक है माता जी, और ठीक है माता जी, हमने सारे चैट ले लिए हैं। अब कभी हम कल मिलेंगे 11वें अध्याय के लिए, आप सब बने रहिए। कल 11वें अध्याय में भगवान अपना विराट रूप दिखाएंगे। विराट रूप में हम देखेंगे कि किस तरीके से भगवान ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी, युद्ध होने से पहले ही अर्जुन उसमें क्या क्या देखता है, किस तरीके से उसमें सारी देवी देवताओं को देखता है, और किस तरीके से जब भगवान कहते हैं कि मैं सिर्फ एक निमित्त मात्र हूँ, तो उसका उसका भी साक्षात वो दर्शन करते हैं। ठीक है माता जी, एक हैंड रेज है लवकुश प्रभु जी का, ले लेते हैं फिर हम। हरे कृष्णा लोकुश प्रभु जी। हरे कृष्णा जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी आपने बताया कि जैसे सूर्य लोक चंद्र लोक है ना जी प्रभु जी, तो ये कितने लोक होते हैं जी? बहुत लोग हैं प्रभु जी, अनगिनत लोक हैं। अनगिनत है, अनगिनत लोक हैं, अनगिनत ब्रह्मांड है, हम नहीं जानते प्रभु जी कितने लोक हैं। हमें सिर्फ इतना पता है कि जब हम ये देखते हैं कि पृथ्वी है यानी मृत्यु लोक है, उसके ऊपर ब्रह्मा जी तक और उसके नीचे जो नीचे लोक होते हैं वो कुल मिला के 14 हैं। 14 लोकों के बाद नर्क अलग आते हैं, पर और भी बहुत लोक हैं प्रभु जी, और ब्रह्मांड बहुत बड़ा है ना, किस ब्रह्मांड में कहाँ पे कितने लोक हैं वो हमें नहीं पता है प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, ये जितने सारे जैसे लोक हैं तो हर जगह जीवात्माएं जैसे अपने यहाँ पृथ्वी लोक में मनुष्य वगैरह रहते हैं, इसे उधर भी रहते होंगे? हाँ प्रभु जी, जीवात्मा रहती है हर जगह, तो हो सकता है जैसे हमें यहाँ पे शरीर है तो वहाँ पे ऐसा शरीर नहीं होता है, वहाँ पे अलग शरीर होता होगा, पर आत्मा रहती है प्रभु जी।
आत्मा हर लोक में रहती है जी प्रभु जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। अब हम चलते हैं, वांछ कल्प तरुभ्यः कृपा सिंधुः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि कृष्ण वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण, हरे को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम।